हेलो जेकेएसई स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीवनी बैच। राइट, ये जो बच्चों तुम्हारे लिए रिविजन हमने स्टार्ट किया है संजीवनी, आज मैं उसमें कॉर्पोरेट अकाउंट का एक स्वीट सा चैप्टर, इट्स नॉट सेपरेट चैप्टर, एक स्वीट सा आई कैन से पार्ट, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स लेके आया हूँ बच्चों ये लेक्चर में। राइट, ये हमारा मॉड्यूल में जो शेयर कैपिटल का पार्ट है, वो पार्ट के अंदर मॉड्यूल में इश्यू ऑफ शेयर्स, अंडरराइटिंग, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बायबैक, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, राइट इश्यू, स्वेट इक्विटी, ईएसओप, ये सारे कंसेप्ट उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। ये अलग से कोई चैप्टर नहीं है, बट मैं अलग से फ्यू बोर्ड के सम्स तुम्हारे साथ आज डिस्कस करूंगा विथ ऑल फॉर्मेट और विथ ऑल कंसेप्ट। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे बच्चों इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट इश्यू। नाउ बच्चों, बोनस शेयर्स क्या होता है? बोनस शेयर्स मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, एक पार्टली पेड बोनस शेयर्स और एक फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। नॉर्मली हम लोग बोनस बच्चों किसको देते हैं, पहले वो ध्यान देते हैं। नॉर्मली हम लोग बोनस प्रोवाइड करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नॉर्मली हम लोग बोनस किसको देते हैं बच्चे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर्स को बोनस नहीं होता है, बट बोनस इक्विटी को दो टाइप के होते हैं, एक पार्टली पेड बोनस शेयर्स और एक फुल्ली पेड बोनस शेयर। नाउ व्हाट इज पार्टली पेड बोनस शेयर्स? नॉर्मली आपका शेयर्स जैसे 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, एग्जाम्पल है, मैं लिखते हुए बताता हूं, बराबर से ध्यान देना। सपोज 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, ऑलरेडी 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, एक शेयर है 10 रुपए का, बट आपने कॉल्ड अप ही 8 रुपीज किया है। आपने ऑलरेडी कॉल्ड अप 8 रुपीज किया है, मीन्स आपने 1 लाख इंटू 8, टोटल 8 लाख रुपीज कॉल्ड अप किया है। अभी आपका जो फाइनल कॉल पेंडिंग है इक्विटी शेयर कैपिटल का, वो आप बाद में कॉल्ड अप कर सकते हो बच्चों। क्या कर सकते हो? कॉल्ड अप कर सकते हो। ये अमाउंट आप कॉल्ड अप जब भी करोगे तो ये फुल्ली पेड हो जाएगा, परफेक्ट, राइट। बट अभी तुम्हें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो फाइनल कॉल पेंडिंग है वो मनी आपको नीड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने होल्डर को 2 रुपीज एज अ पार्टली पेड बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकते हो। उनसे वो 2 रुपया लेना नहीं है, वो फुल्ली पेड हो जाएगा एज अ बोनस। बोनस का सिंपल कंसेप्ट होता है, आपको अपना रिजर्व यूटिलाइज करना होता है, जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है वो यूज करना है। तो रिजर्व डिक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, इसे इनडायरेक्टली बोनस बोलते हैं हम लोग बच्चों। रिजर्व डिक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, आपको अपना रिजर्व यूटिलाइज करना है। तो जो पार्टली पेड बोनस शेयर है उनके लिए आपको 3 जर्नल एंट्री पास करना है। पहली एंट्री फाइनल कॉल ड्यू करना है, लाइक इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नॉर्मली अगर फाइनल कॉल का मनी रिसीव्ड होता है तो बैंक टू फाइनल कॉल होता है, बट यहाँ पे मनी रिसीव नहीं करना है, आपको एज अ बोनस देना है। तो आपको अपना रिजर्व यूटिलाइज करना है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और यू कैन राइट बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको फाइनल कॉल एडजस्ट कर देना है एज अ बोनस, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये होता है हमारा बोनस शेयर्स, पार्टली पेड बोनस शेयर्स। अभी वो अमाउंट कैसे आएगा, जैसे एग्जाम्पल में ये 1 लाख शेयर्स इनटू उसका जो 2 रुपीज आपको कॉल्ड अप करना था, वो 2 रुपीज लाइक 2 लाख आपको एज अ बोनस देना है। अंडरस्टूड? वो उनसे पैसा लेना नहीं है, उसे फ्री करके देना है एज अ बोनस, राइट। तो बोनस में रिजर्व डिक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, एक ये बोनस होता है पार्टली पेड बोनस शेयर। एक होता है बच्चों फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। कौन सा बोनस बच्चों? फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। नाउ व्हाट इज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स? नॉर्मली इसका होता है प्रपोर्शन। क्या होता है? प्रपोर्शन, लाइक हेल्थ और बोनस, इसके लिए प्रपोर्शन होता है। मैं इसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज अगर 2 शेयर हेल्थ है तो समय लिखा होगा 1 बोनस, तो जैसे हेल्थ 2 है तो आपको 1 बोनस मिलेगा। आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख, तो आपको बोनस कितना? 50,000, 50,000। एक शेयर 10 रुपए का है तो रुपीज में आपको 5 लाख रुपीज का बोनस देना है। अंडरस्टूड? अभी जब आप फुल्ली पेड बोनस शेयर देते हो तो पहले आपको रिजर्व यूज करना होता है, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR यूज करना है। नेक्स्ट आपको रिजर्व यूज करना है सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट, सिक्योरिटी प्रीमियम। बट उसमें भी बोनस देते टाइम रूल है, जो कैश प्रॉफिट है सिक्योरिटी प्रीमियम में, कैश प्रीमियम होता है वही यूटिलाइज करना है, नॉन कैश रिजर्व नहीं यूज करना है। नॉन कैश में ओनली CR इज अ आर्टिफिशियल बोगस अकाउंट, जो आप यूज कर सकते हो एज अ बोनस। इसके बाद अगर कैपिटल रिजर्व है, और मेंशन किया है कैपिटल रिजर्व, वो भी कैश रिजर्व होना चाहिए, तो वो आप यूज करोगे। अगर कोई नॉन कैश है
like fixed assets को revalued करके capital reserve create हुआ है तो आप use नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको DP use करना है, divisible profit। Now DP आपको अगर पता होगा तो DP में main होता है general reserve, PNL, revenue reserve, reserve fund, तो ये सारे reserve आप use कर सकते हो as a bonus। Now पहले इसका order है, आप जब भी sum देखते हो तो जब भी fully paid bonus shares देते हो तो पहले आपको CRR use करना है and then security premium and then capital reserve, अभी जो cash में आएगा वो, और फिर आपको DP use करना है, divisible profit। What is divisible profit? जो regular business करके कमाया हुआ profit है उसको DP बोलते हैं, और जिसमें से आप dividend दे सकते हो वो DP होता है। तो जो reserve से आप dividend दे सकते हो उसमें से bonus आप declare कर सकते हो, तो आपको fully paid bonus shares के लिए reserve utilize करना होगा। अभी कभी कभी कोई कोई बच्चा सोचता है कि सर reserve नहीं है, तो obviously reserve होगा ही होगा, जब भी आपके पास reserve है तभी तो आप bonus दोगे। तो अभी reserve debit टू, जो भी आप रिजर्व यूज कर रहे हो डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स होगा। अभी जब आप ये डिक्लेयर हुआ फुल्ली पेड बोनस शेयर, उसके बाद आप इशू करोगे, तो इशू करोगे तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये फुल्ली पेड बोनस शेयर की एंट्री है। तो ऐसे तीन पार्टली पेड बोनस शेयर है, दो फुल्ली पेड बोनस शेयर है जो आपको डिक्लेयर करना है। नाउ बच्चों एक रूल है, सपोज आपका इक्विटी शेयर ऑलरेडी फुल्ली पेड है और आप फुल्ली पेड बोनस शेयर ले रहे हो तो परफेक्ट, बट अगर आपका ऑलरेडी इक्विटी शेयर फुल्ली पेड नहीं है, ऑलरेडी जो इक्विटी शेयर वो फुल्ली पेड नहीं है, तो पहले उसको फुल्ली पेड करो, उसके बाद ही आप फुल्ली पेड बोनस शेयर दे सकते हो। तो अभी फुल्ली पेड बोनस कैसे करेंगे, फुल्ली पेड कैसे करेंगे, तो दो ऑप्शन है, या तो आप उनसे मनी रिसीव करके फुल्ली पेड करोगे, या तो आप उसे पार्टली पेड बोनस शेयर डिक्लेयर करके बोनस फुल्ली पेड बोनस दोगे। सी ये फुल्ली पेड बोनस शेयर बच्चों आप कभी दे सकते हो, जब इक्विटी शेयर ऑलरेडी फुल्ली पेड होना चाहिए। इफ दे आर फुल्ली पेड तो आप फुल्ली पेड बोनस शेयर दोगे, इफ दे आर नॉट फुल्ली पेड तो पहले फुल्ली पेड करो। वो फुल्ली पेड कैसे करते हैं सर, तो एक तो उनसे फाइनल कॉल रिसीव करके फुल्ली पेड करके आप बोनस दे सकते हो, और एक है कि आप पार्टली पेड बोनस शेयर दे के फुल्ली पेड करके बोनस दोगे। अंडरस्टूड, जब भी आप दोनों बोनस देते हो, पार्टली पेड बोनस शेयर भी और फुल्ली पेड बोनस शेयर भी, तो इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग डबल बोनस, उसको पार्टली पेड भी बोनस शेयर है फुल्ली पेड भी बोनस शेयर है, ये होता है डबल बोनस। तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है इक्विटी के लिए, क्योंकि इक्विटी में बोनस उनको फ्री में आता है ये, अंडरस्टूड। और कंपनी के लिए रिजर्व यूटिलाइज करना होता है, रिजर्व डिक्रीज करके हम कैपिटल इंक्रीज करते हैं। अगर नेट एंट्री में बताओ तो रिजर्व टू कैपिटल होता है, बट एग्जाम में आपको रिटर्न सम वाइज यू हैव टू राइट डाउन, पूरा लिखना होता है। अंडरस्टूड, थोड़ा डाइजेस्ट हुआ बोनस का एंट्री। अभी बच्चे मैंने फ्यू सम ऐसे भी लिए जिसमें ना थोड़े मिक्स सम है, जिसमें आपको बोनस की एंट्री करनी है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो सकता है, जैसे अभी लास्ट अपने जो बोर्ड में सम आया था उसमें बोनस विद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कंसेप्ट था, वैसा एक सम आया था छोटा सा 5 मार्क का स्वीट सम, जिसमें आपको फुल्ली पेड बोनस शेयर देना था और डिबेंचर को रिडीम करना था। तो ये बहुत ऐसे सब कंसेप्ट होता है, खाली बोनस भी ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी है, बट कम आने के चांसेस है क्योंकि बहुत ईजी हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। तो दैट्स वाई इसमें तुम्हें थोड़ा ट्रिकी करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा और बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे कोई डिविडेंड डिक्लेयर करना या DDT देना या इशू बोनस भी देते और राइट इशू बोलते या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मेंशन करते, तो ऐसा मिक्स में ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसे बहुत बार बोर्ड में सम आ चुके हैं 9-10 मार्क्स के सम, जिसमें डिबेंचर भी रिडीम होता है, बोनस भी होता है और डिविडेंड भी डिक्लेयर करना होता है। ये जो कंसेप्ट है ना बच्चों, आप कोई मॉड्यूल या कोई स्कैनर में कहीं देखोगे ना, तो फाइनल अकाउंट जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उसमें भी मिक्स करके होता है। सिर्फ फाइनल अकाउंट्स में भी आप क्या करते हो, अपने होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, अपने होल्डर को बोनस देते हो, अपने होल्डर को रिडम्पशन करते हो, अपने प्रेफरेंसेस को रिडीम करते हो या डिबेंचर को रिडीम करते हो, तो ये सब मिक्स है। जो मेरे बच्चे लोग ने, मैंने जिनको फुल फ्लेज चैप्टर सिखाए थे उसमें आप देखोगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर उसके साथ भी बोनस होता है, जो हमारे बोर्ड में भी आया है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करो और बोनस कर दो। ये बोनस इज अ स्मॉल पार्ट, इट्स नॉट फुल फ्लेज कंसेप्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग बोनस समझते फिर राइट इशू का समझते। तो पहले बोनस वाले में एक दो सम करा दूं, राइट इशू का तो एक ही सम रखा है मैंने, राइट। तो हम लोग बोनस वाले सम चालू करते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। चलो बच्चों फर्स्ट सम, ये बोर्ड में आया हुआ सम है, थोड़ा ट्रिकी है, अच्छे से ध्यान देना। चलो
नाउ एक छोटा सा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज एज अंडर एसेट साइड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी स्टॉक्स अंडर डेटर्स कैशियर बैंक, लाइबिलिटी साइड पे इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच 2 लाख, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर फुल्ली पेड है। प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये हमारा है डिविजिबल प्रॉफिट डीपी, जिसमें से आप बोनस अगर देना है तो आपको पीएनएल यूटिलाइज करना है, आपको अगर डिविडेंड देना है तो आपको पीएनएल यूटिलाइज करना है। 10% डिबेंचर है जिसे हमें रिडीम करना होगा, ये सब में है। सन्ड्री क्रेडिटर्स राइट, चलो नाउ इट वॉज रिजॉल्व एट द एनुअल जनरल मीटिंग फर्स्ट टू पे अ डिविडेंड ऑफ 10%, ठीक है। तो डिविडेंड हमें अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2 लाख पे इनटू 10% डिविडेंड पे करना है 20,000। अभी इसमें एक न्यू पार्ट है डीडीटी डिविडेंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 12.5% एंड शॉर्ट चार्जेस ऑफ 10% and 2% एजुकेशन राइट, ये तुम्हारा डीडीटी वाला पार्ट है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, पढ़ लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सेकेंड पार्ट देखो बोनस, हमारा फेवरेट, टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, अगर 4 शेयर है तो 1 बोनस दोगे आप। थर्ड, टू गिव द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू बाय 1 शेयर ऑफ ₹10, ठीक है, एट द रेट 14 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड प्रायर टू द बोनस शेयर। तो टू गिव द एग्जिस्टिंग द ऑप्शन टू बाय 1 शेयर, तो इसे आप क्या बोलोगे, राइट इश्यू, राइट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, राइट इश्यू, तो ये भी एक्सप्लेन करना होगा। टू रिडीम द डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ऑल द डिबेंचर होल्डर टुक अप द ऑप्शन, उनको 5% रिडीम करना है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो इससे रिलेटेड जो जो आपको जर्नल एंट्री है वो एंट्री पास करनी है। अभी बच्चों इसमें बोनस भी है, राइट भी है, डीडीटी भी है, तो राइट इशू भी डिक्लेयर कर बता देता हूँ। वट इज राइट इशू, बच्चों जो आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना उसे आप फर्दर शेयर खरीदने का राइट्स देते हो। जैसे यहाँ पे एक शेयर ₹10 का है लेकिन हम बोलते हैं आप 14 में खरीदो तो ₹4 एक्स्ट्रा प्रीमियम देना है। बट राइट इश्यू में होल्डर को बेनिफिट क्या होता है, जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसे ही राइट्स मिलता है, उसे बेनिफिट क्या होता है। अगर मेरा मार्केट प्राइस है एग्जाम्पल है ₹20, मार्केट प्राइस है ₹20, तो जो मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसे मैं कम प्राइस में शेयर्स दे दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ₹14, तो ये एग्जिस्टिंग प्राइस हो सकता है मेरा 20, 25, 30, 40 होगा और मैं उसे कितने में दे रहा हूँ, ₹14 में। तो ये होता है जो मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो मेरे होल्डर को मैं लेसर प्राइस में दे देता हूँ, इससे बोलते हैं राइट इश्यू, तो उसे बेनिफिट है। मेरे लिए क्या होता है, ये जो फर्दर IPO है या मुझे इनिशियल फंड चाहिए वो फास्ट हो जाएगा, बट राइट इशू में मुझे पैसा आएगा, तो मेरे लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अंडरस्टूड। अभी मेरा प्रोसेस फास्ट हो जाता है। दूसरा, मेरे पे फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है, जो प्रमोशन कॉस्ट होता है वो बच जाता है, तो इसमें विन विन सिचुएशन है होल्डर के लिए भी और मेरे लिए भी। वो मेरे से ₹14 में बाई करेगा, मार्केट रेट है 20-25, तो मार्केट में वो सोल्ड आउट करके बेनिफिट कमा सकते हैं। तो राइट इश्यू वो होता है जो मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मैं फर्दर शेयर खरीदने के राइट्स देता हूँ। दूसरा एक ऑप्शन होता है, या तो वो राइट्स खरीदे या तो वो राइट दूसरे को ट्रांसफर कर दे। अभी ये क्यों होता है, क्योंकि नहीं तो अंडर सब्सक्राइब होने के ऑप्शन होते हैं, अंडर सब्सक्राइब हो गया है तो मुझे प्रॉब्लम आएगा, तो दैट्स व्हाई मैं उनको बोलता हूँ या तो तुम राइट्स खरीदो या तो राइट दूसरे को ट्रांसफर कर दो। क्योंकि राइट इश्यू में क्या होता है, जो मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें ही राइट्स मिलेगा, जो मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है उनको राइट्स नहीं मिलेगा। फेयर, इजी। नाउ व्हाट इज डीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये क्या होता है जरा समझते हैं। जो मैं अपने होल्डर को डिविडेंड देता हूँ, जो मेरे अपने होल्डर को डिविडेंड देता हूँ, वो डिविडेंड पे मैं एक्स्ट्रा डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट को पे करता हूँ। डीडीटी ये गवर्नमेंट को पे करते हैं हम लोग एज अ शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे गवर्नमेंट को, अंडरस्टूड। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोलते हैं या डीडीटी हम लोग बोलते हैं। अभी इसमें नॉर्मली नॉर्मल परसेंटेज दिया होता है 12%, 3%, 13%, वो समय डायरेक्टली गिवन होता है, बट यहाँ पे वो लोग ने बोला है कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 12.5, उसमें शेयर चार्जेस है 10% और 2% एजुकेशन से है। तो आप देखो 2 लाख पे इनटू, ये मैं लिख के दूंगा बाद में, 10% आपका 20,000 हुआ, वो 20,000 पे 12.5% होता है 2,500, और उस पे तुम्हारा थोड़ा 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 अमाउंट ऐड होता है, जैसे 20,000 इंटू 12.5% 2,500, उस पे होता है 10% ऐड, उस पे होता है 2% ऐड, जो अमाउंट आएगा उस पे 10% चार्जेस होता है, जो अमाउंट आएगा उस पे 2% एजुकेशन होता है,
तो अगर आप 12.5 करोगे तो उस पर 10% होगा, जो अमाउंट आएगा उस पर 2% होगा। तो ये थोड़ा संभालना है। ये ज्यादातर ये पैटर्न में नहीं देते, वो लोग डायरेक्टली नॉर्मली डायरेक्टली ये दिया होता है टैक्स, बट यहाँ पे थोड़ा और हैवी है। ये पहले ओल्ड पोर्शन वाइज होता था कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, एज पर न्यू अमेंडमेंट वाइज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इग्नोर बोला है, बट अगर सब में दिया है तो आपको एंट्री पास करनी है, राइट, अपने पीएनएल से आपको डीडीटी डिक्लेयर करना है। अभी ये प्रॉपरली होता क्या है, सपोज मुझे जो होल्डर को डिविडेंड पे करना है, वो डिविडेंड पे एक सर्टन अमाउंट मुझे गवर्नमेंट को पे करना है एज अ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करना है, बट जो मैं डिविडेंड देता हूँ वो डिविडेंड के अमाउंट पे मुझे पे करना है। तो डिविडेंड मैं होल्डर को देता हूँ और उनके ऊपर जो डीडीटी है वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना होता है, बट डीडीटी का नॉर्मल एक ही परसेंटेज है तो वो एक ही, बट इस पे देखो 12.5, फिर सर चार्जेस है कितना है 10%, फिर एजुकेशन के टैक्स है तो वो 2%, वो ऐड करके टोटल अमाउंट निकालना होगा। मैं वर्किंग में दिखाऊंगा कुछ 2805 आ रहा है, बट वो डिविडेंड पे निकालना है हमें, अंडरस्टूड। अभी ऐसे वाले सब में ना आपको बराबर से फोकस करना है अमाउंट और ऑर्डर, क्या पहले कुछ सीक्वेंस चेंज नहीं कर दो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अभी देखो यहाँ पे पहले डिविडेंड और डीडीटी देना है, फेयर इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्थ, तो ये तुम्हारा क्या है बोनस है। टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू बाय 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर प्रायर टू बोनस, तो इसका मतलब ऑर्डर बहुत ध्यान रखना है, पहले बोनस नहीं देना है, प्रायर टू बोनस पहले राइट इशू देना है, राइट इशू देने के बाद फिर बोनस देना है। तो बोनस देते टाइम आपका पुराने शेयर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, बस वो आपको ध्यान देना है राइट इशू और पुराने शेयर्स को गड़बड़ में मत लेना। देखो इधर प्रायर टू लिखा हुआ है, राइट, प्रायर टू बोनस इशू, तो इसका मतलब ऑर्डर पहले राइट इशू का वर्किंग करना है। तो राइट इशू किसको आप दोगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो, अब बोनस किसको देते हो, जो टोटल अक्यूमेटेड होगा वो, जो एग्जिस्टिंग है प्लस राइट इशू, उसे ऐड करके उसे बोनस देना है। और फिर ये डिबेंचर रिडीम एट अ प्रीमियम, वो थोड़ा अलग से सेपरेट है। तो जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में आपने सीखा है डीपीडी, प्रीमियम राइट ऑफ और पे ऑफ, ये आप अपने ओन से कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, हार्ड एंड फास्ट, राइट। बट ये सब चीजें मिक्स है, बट ये एक्चुअली हम लोग काउंट करते हैं बोनस की, बोनस इशू और बोनस, बट इसमें आप देखो राइट इशू भी है, बोनस एंड राइट इशू मेन है, बट एक्स्ट्रा में डिविडेंड है और रिडम्पशन है, ये सब चीज है। तो पहले मैं वर्किंग कर लेता हूँ फिर हम लोग करते हैं। तो ऑलरेडी 20,000 शेयर्स है, तो बराबर से आप देखना वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 1, अभी पहले था राइट इशू, पहले डिविडेंड का वर्किंग कर लेते हैं, चलो फेयर। पहले प्रपोज डिविडेंड था, टू पे अ डिविडेंड 10%, तो होता है प्रपोज डिविडेंड और उसे पे करने बोला है, तो प्रपोज करके पे भी करना है। तो ये कैसे होगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है 2 लाख इनटू उस पे 10%। एग्जाम में आपको वर्किंग इतना दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर लेंदी होते, पेपर खत्म ही नहीं होता है, तो फास्ट फास्ट रफरी करके एंट्री कर लेना अच्छे से, अंडरस्टूड, ठीक है। 20,000, नाउ 20,000 ये प्रपोज डिविडेंड है, तो अगर एंट्री करनी है तो पीएनएल टू प्रपोज डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड टू कैश बैंक, बट इसके साथ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो उसके साथ ही इन्वॉल्व कर लोगे तो मच बेटर। तो अभी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा ध्यान दो, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, या इसे हम लोग प्यार से बोलते हैं डीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो ये आएगा आपका 20,000 पे इंटू 12.5%, तो 20,000 पे इंटू 12.5% हमारा आएगा 2,500। इसके ऊपर हमें शॉर्ट चार्जेस ऐड कर देना है, शॉर्ट चार्जेस इस पे ऐड कर देना है, तो 2,500 प्लस 10% ऐड कर दो उस पे, प्लस 10%, तो हमारा आता है रुपीज 2,750। आप वो परसेंटेज में भी ऐड करके नया परसेंटेज निकाल सकते हो, 14.025 आएगा वो। उसके बाद एजुकेशन टैक्स ऐड कर दो, अंडरस्टूड, वो ये वाले अमाउंट पे ऐड होगा 2,750 प्लस 2%, तो आपका सीधा अमाउंट आ जाएगा रुपीज 2,805। देखो चेक करो 2,805,
अभी या तो इस पैटर्न पे करो या और आप 12.5% पे प्लस 10% ऐड कर दो प्लस 2% ऐड कर दो तो भी आपका लाइक देखो 12.5% प्लस 10% प्लस 2% उस पर ऐड करना है, डायरेक्ट 12 मत करना, मैथ्स गड़बड़ हो जाएगा, 14.02.5% होता है। तो आप क्या करो, जो आपने प्रपोज डिविडेंड दिया है प्रपोज डिविडेंड पे 20,000 पे उस पर देना होता है। से आप प्रपोज डिविडेंड किस पे देते हो, शेयर कैपिटल पे 10%। डीडीटी किस पे होता है, दैट प्रपोज डिविडेंड पे आपको डीडीटी देना है 14.025%। तो 20,000 इंटू 14.025% तो भी आपका देखो अमाउंट आएगा 2805। इजी, ठीक है। बस ये सब की एंट्री करनी है, पहले वर्किंग कर लेता हूँ बोनस राइट इशू। अभी इसके बाद आप बोनस की वर्किंग नहीं कर सकते बच्चों, ने तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको पहले राइट इशू का वर्किंग करना है, राइट इशू में हेल्थ और बोनस और राइट इशू का बोनस वर्कआउट करना है, उसके बाद आपको बोनस करना है। और उसके बाद डिबेंचर्स के लिए तो कोई वर्किंग नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। चलो ये समझ में आया, थोड़ा ये अच्छा पार्ट था, लिख लो अच्छे से राइट। ये वाला पहले प्रपोज डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल पे, उसके बाद डीडीटी ऑन 12.5% ऑन 20,500 पे शेयर चार्जेस, उस पर एजुकेशन टैक्स ऐड करके 2805 पे करना है। फेयर, इजी, समझ में आ रहा है बच्चों, आगे बढ़ू। नाउ सम में राइट इशू का वर्किंग करना है, तो आराम से देखो इंक चेंज करता हूं। नेक्स्ट वर्किंग, वर्किंग नोट टू, फिर ये सब के एंट्री करना है, राइट शेयर्स राइट इशू। अभी आप देखो सम में बोला हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था नीचे, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑप्शन टू बाय वन शेयर ऑफ रुपीज 10 एट द रेट 14 ₹4 प्रीमियम फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड प्रायर टू बोनस। तो चार है तो एक मिलेगा, अंडरस्टूड, ये रेशियो समझ में आता है ना, अगर 4 हेल्ड है तो एक राइट इशू मिलेगा। तो हेल्ड और राइट इशू, 4 हेल्ड है तो एक राइट इशू, ऑलरेडी शेयर्स कितना है 20,000, तो राइट इशू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाइड 20,000 इंटू 4 बाय इंटू 1/4 5,000 शेयर्स। अभी इसमें कैपिटल कितना है ₹10, प्रीमियम कितना है ₹4, अंडरस्टूड, बिकॉज इंटू 14 आप डायरेक्ट करोगे तो विथ प्रीमियम ₹70,000 विथ प्रीमियम। तो इसमें ₹10 क्या है कैपिटल एंड ₹4 क्या है प्रीमियम, ये हो गया। अभी बच्चों राइट्स देने के बाद आपके ऑलरेडी 20,000 शेयर थे ओल्ड शेयर, प्लस आप जैसे राइट इशू मार्केट में करोगे तो नाउ आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा 25। तो आप जब भी बोनस दोगे तो आपको 25,000 पे करना है, ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। ऐसा सम सब बच्चों 8-10 मार्क्स के लिए भी बोर्ड में आ सकता है, से आपको 15 मार्क का एक सम होगा तो 8 और 7 कर सकते हो, लोग कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 5-5-5 मार्क्स 8-7 मार्क्स, अंडरस्टूड। और इसमें बहुत सारे अलग अलग चैप्टर कवर हो रहे हैं। तो आया 25,000 शेयर्स। नाउ अभी बोनस की वर्किंग, पहले ये लिखा अच्छे से राइट, इंक चेंज कर देता हूं, कुछ और कर लेते हैं। वर्किंग नोट थर्ड, बोनस शेयर्स। चलो बोनस के लिए भी देखो क्वेश्चन में दिया है, टू इशू 1 बोनस फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, अगर 4 हेल्ड है तो एक बोनस मिलेगा, तो हेल्ड और बोनस 4 है तो 1। तो अभी शेयर्स आप कितना लोगे 25 राइट इशू देने के बाद, अंडरस्टूड, ये सब अगर आपने गड़बड़ किया तो 0 मार्क्स 6250 शेयर्स। नाउ एक शेयर ₹10 का है तो ₹62,500, तो ये पहले रिजर्व यूज करना होगा। तो पहले क्या देते हैं हम लोग CRR, सब में देखो क्वेश्चन में है क्या नहीं, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या नहीं, फिर कैपिटल रिजर्व है क्या नहीं। डीपी में वी हैव पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, और बहुत पैसा है, वापरो बिंदास पीएनएल, तो आप पीएनएल यूज कर सकते हो एज अ बोनस, अंडरस्टूड, 62,500 यूज कर सकते हो, इजी राइट। जो आप डिबेंचर्स का भी प्रीमियम है वो प्रीमियम पे कर सकते हो एक्स्ट्रा,
राइट ऑफ कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम से, क्योंकि नया इशू में सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, या अभी कुछ नहीं है तो आप पीएनएल से भी कर सकते हो क्योंकि एग्जिस्टिंग में खाली पीएनएल ही है। आप जो डिबेंचर्स को रिडीम करोगे विद प्रीमियम 5%, तो देखो 1,20,000 पे इंटू 5% दैट 6,000, वो 6,000 राइट ऑफ करना होता है। नॉर्मली हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम करते हैं, बट यहाँ पे नहीं है तो पीएनएल ले सकते हो, बट सिक्योरिटी प्रीमियम क्रिएट हो जाएगा जो आप राइट इशू करोगे उसमें। अंडरस्टूड? अभी ऑर्डर वाइज एंट्री कर लू, अच्छा सम था, आई कैन से गुड सम, राइट? ये सब बोर्ड में आए हुए सम है कंसेप्ट, हमने अलग अलग करा होगे, छोटे मोटे कंसेप्ट करा होगे, बट ऐसे मिक्स वाले कंसेप्ट भी बोर्ड में आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? चल, एक बार वर्किंग रॉन्ग हुआ तो फिर पूरा मेस हो जाएगा, और एंट्री अच्छे से पता होनी चाहिए। जनरेटर की लाइन ड्रॉ करके आप करना, मैं डायरेक्ट करता हूं। इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, डेट पर्टिकुलर्स, छोटा कॉलम बनाना है आपको, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। चलो फर्स्ट आप डीडीटी प्रपोज डिविडेंड और डीडीटी दोनों डिक्लेयर करके पे कर दो, तो एक डिक्लेयर होता है पीएनएल से और एक पेड होता है, कंबाइन भी हो सकता है, बट मजा नहीं है, दो बार दो लिखोगे तो मच बेटर। अंडरस्टूड? तो आपकी एंट्री ऐसे होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट, एग्जाम में पूरा लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड, टू प्रपोज डिविडेंड, फर्स्ट वाले वर्किंग में था हमारा अमाउंट 20,000, और टू कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डीडीटी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टू कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अकाउंट 2805, तो डैट 20,000 प्लस 2805 तो ऊपर कितना आएगा 22,805। एग्जाम में खाली जर्नलिटी पूछते हैं तो बींग लिखना कंपलसरी है। अंडरस्टूड? बींग डिविडेंड डिक्लेयर एंड प्रपोज एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, बींग प्रपोज डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स डिक्लेयर, या परसेंटेज लिखना है तो आप लिख सकते हो बींग 10% प्रपोज डिविडेंड एंड 14.05% कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स डिक्लेयर, ये डिक्लेयर है, पे नहीं है। इसके बाद पे कर देते हैं, तो प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश बैंक लिख सकते हो, और बैंक मच बेटर क्योंकि चेक के थ्रू होता है। तो प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट $20,000, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अकाउंट डेबिट 2805, टू बैंक अकाउंट, दोनों को ऐड करके लिख दो 22805। अंडरस्टूड? इजी, थोड़ा समझ में आया, राइट? बींग लिखना है बींग प्रपोज डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पेड। नाउ इसके बाद था राइट इशू, उसमें पैसा आता है, राइट इशू इज नॉट अ फ्री, पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अंडरस्टूड? डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, वन शॉट अमाउंट लेना है, राइट? चलो थर्ड एंट्री, थर्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या खाली शेयर कैपिटल का मतलब बाय डिफॉल्ट इक्विटी है, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक शेयर 10 रुपीज का है, आप इशू कर रहे हो 14 में, तो प्रीमियम है कितना, नंबर ऑफ शेयर्स था 5,000, तो अगर आप अमाउंट देखो तो 5,000 × 10, 5,000 × 4, चलो इंटू करो कितना आएगा 50,000, 20,000 और 70,000, इजी, ठीक है? बीइंग 5,000 राइट इशू इशूड एट द रेट रुपीज 14 पर शेयर, राइट? आप कुछ भी बींग लिख सकते हो, बींग के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, चलेगा, इजी। अभी बोनस के लिए, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए दो एंट्री आएगी,
मंथली पेड बोनस शेयर की दो एंट्री आएगी। पहले आप बोनस डिक्लेयर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस से, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स और बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अंडरस्टूड। उसके बाद डिबेंचर की दो या तीन एंट्री लिख सकते हो, तीन एंट्री आएगी। वाह अच्छे से ये लिखा, चलो नेक्स्ट बोनस। तो ऑर्डर वाइज ही एंट्री करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट एंट्री डाल देते हैं बोनस की। तो एंट्री आपकी क्या होगी, 1, 2, 3, 4th एंट्री हो जाएगी बोनस। पहले डिक्लेयर करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। कितना रुपीस का बोनस था, वर्किंग में था 62,500, कितना रुपीस था 62,500, इजी। बीइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर डिक्लेयर आउट ऑफ पीएनएल, क्या लिखना है, बीइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर डिक्लेयर आउट ऑफ पीएनएल। फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ऊपर वाला डिक्लेयर था, अभी ये इश्यूड है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू इक्विटी, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500, ठीक है, इजी। इसके बाद हमारी एंट्री आएगी डिबेंचर, बीइंग लिखना है, तो बीइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ रिडीम आएगा, तो पहले डीपीडी 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। ये प्रीमियम जो आप पे करते हो या तो पीएनएल से या सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम आपने देखो राइट इशू किया था ना, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो उसमें से आपको यूज कर लेना है, अंडरस्टूड। या तो पीएनएल से कर दो तो भी फेयर है, राइट ऑफ होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और फिर पे ऑफ डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, ऐसे तीन एंट्री करनी है। स्टार्ट करें, कितना परसेंट डिबेंचर है, 10% डिबेंचर, एंट्री लिखो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू उस पे 5% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,26,000, अंडरस्टूड। ये अमाउंट समझ में आया, बीइंग 10% डिबेंचर रिडीम एट 5% प्रीमियम, ये न्यू एंट्री है। अभी प्रीमियम राइट ऑफ, तो अगर एग्जिस्टिंग पीएनएल से राइट ऑफ करना है तो भी चलेगा, या सिक्योरिटी प्रीमियम से करना है वो भी चलेगा। तो नॉर्मली सिक्योरिटी प्रीमियम मच बेटर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कितना रुपीज आएगा, 6,000, कितना रुपीज है 6, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, और फिर पे ऑफ कर दो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, राइट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अंडरस्टूड। कितना पे करना है, 1,26,000, इजी। ये समझ में आया बच्चों, अच्छा सम था, राइट, इसमें थोड़ा सा मिक्स था, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम पे जंप करें बच्चों, फ्यू सम्स रखे हैं, बराबर से वर्कआउट करते हैं। ऐसे टाइप का हम लोग ने एक सम किया हुआ था ऑलरेडी, अपने बुक में है, ये जेकेसी के बुक में हमारे है ऐसा सेम सब, सेम टाइप में, अंडरस्टूड।
चलो पढ़ता हूँ, देखो। फॉर इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ प्रसन्न लिमिटेड एज एन अनलिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2018। ऑथोराइज कैपिटल, व्हाट इज ऑथोराइज कैपिटल, मुकेश सर के लैंग्वेज में बोलते हैं उसको आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन। खाली वो दिखाना होता है, कुछ करना नहीं होता है, अंडरस्टूड, जस्ट दिखाना होता है कि ऑथोरिटी है कंपनी के पास। ऑथोराइज कैपिटल 12,000, 10% प्रेफरेंशियल ऑफ 100 इच 12 लाख, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच 20 लाख, 12 और 20 कितना हो गया 32 लाख। इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल 12,000, 10% प्रेफरेंशियल ऑफ 100 इच फुल्ली पेड अप, 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच रुपीज 8 पेड अप। इसका मतलब ये पार्टली पेड है। तो अभी दो ऑप्शन है, या तो उनसे फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड होगा या तो एज अ बोनस डिक्लेयर करेंगे। अगर सब में फुल्ली पेड बोनस शेयर डायरेक्टली बोला है तो आपको पार्टली पेड भी बोनस ही डिक्लेयर कर देना है, वो अजम्पशन होता है, बट आपको बोनस देना मच बेटर होता है। 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच 8 पेड अप, तो 2 रुपया बाकी है, 1,20,000 × 2, 2,40,000। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड अदरवाइज देन इन कैश, तो ये कलेक्टेड अदर देन कैश है 50,000। तो मुझे बताओ ये बोनस में यूज कर सकते हैं क्या? जो कैश रिजर्व है वही मैंने बोला था यूज होगा। पढ़ लेते हैं, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए दे सकते हैं, जनरल रिजर्व DPA वो दे सकते हो, सरप्लस या PNL उसका मतलब सेम DPA यूज कर सकते हो। नाउ ऑन 1st अप्रैल द कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 1,20,000 इक्विटी शेयर्स, द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20th अप्रैल। तो ये डेट वाइज आएगा, 20th अप्रैल सबने पैसा लिया। तो अभी देखो मैंने जो पार्टली फाइनल कॉल पेंडिंग था उसका दो ऑप्शन बताया था, या तो मनी रिसीव्ड होगा या तो आपको पार्टली पेड बोनस देना है। सब मेंशन है कि उनसे मनी रिसीव्ड कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब आपको ड्यू करना है फाइनल कॉल और मनी रिसीव करना है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये एंट्री करनी है। अंडरस्टूड, इजी पीजी। तो ऑन 1st अप्रैल 2018 द कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 1,20,000 इक्विटी शेयर, द कॉल मनी वॉज रिसीव बाई 20th अप्रैल 2018। देर आफ्टर द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व by way of bonus issue at the rate of 1 share for every 3 share held, right? 3 shares held है। तो after decide to capital reserve at the rate of 1 share for every 3 share held, तो 3 है तो आपको कितना bonus मिलेगा? 1। It was decided that there should be a minimum reduction in the profit and loss surplus account. उसका मतलब आपको डीपी को कम से कम यूज करना है, तो आपको ऊपर सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड, राइट? आपको बोनस में सब चीजें यूज करना होगा क्योंकि रिजर्व दूसरे यूज करना होगा। राइट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी जो नॉन कैश है वो नहीं, कैश रिजर्व है वो यूज करेंगे। तो कलेक्टेड अदरवाइज देन इन कैश, तो ये कलेक्टेड इन कैश वाला है रिजर्व, ये यूज करना है आपको। CRR यूज कर सकते हैं, यस। जनरल रिजर्व पहले, ये सबसे लास्ट में करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, पैसा पहले CRR, देन सिक्योरिटी प्रीमियम, देन जनरल रिजर्व एंड लास्ट में PNL करना है, ठीक है? ये कलेक्टेड इन कैश रखना, कलेक्टेड इन कैश आपको ये यूज करना है। अंडरस्टूड। चलो, शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 30th अप्रैल आफ्टर बोनस शेयर्स। तो अभी बैलेंस शीट भी बोला है, वो लोग ने बैलेंस शीट अपीयर करना है बोनस में। तो बोनस में आपका क्या हो जाएगा? शेयर इंक्रीज, रिजर्व डिक्रीज। तो सब में देखो, बोनस सब में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आएगा, पूरा तो आएगा नहीं, शेयर कैपिटल और रिजर्व ही दिया है, वही आपको शो करना है, दैट्स इट। अंडरस्टूड। तो अच्छे से अपीयर करेंगे, पहले वर्किंग कर लेते हैं। आप पहले ये देखो, इनका जो ₹2 पार्टली पेड है वो एज अ बोनस देना है आपको। मनी रिसीव करना है, 1,20,000 × 2 पार्टली पेड है, उसे मनी रिसीव करना है, तो आपके पास कैश बैंक क्रिएट होगा। अंडरस्टूड। तो वो होने के बाद फुल्ली पेड, फिर आपको बोनस देना है, 3 शेयर है तो 1 बोनस, और बोनस किसको होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है। कर्ल,
रिजर्व में सिक्योर्ड में कलेक्टेड इन कैश रखना है, सीआरआर, जनरल रिजर्व और सरप्लस यूज करना है। फेयर चलो क्वेश्चन नंबर टू पहले वर्किंग कर लेते हैं। फाइनल कॉल मनी रिसीव, तो फाइनल कॉल कितने शेयर्स का है, 1,20,000 × 2, तो ये मनी रिसीव होगा 2,40,000, तो ये शेयर अपियर हो जाएगा ओरिजिनल शेयर्स में। उसके बाद फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, चलो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स में हेल्थ और बोनस सब में देखो मेंशन किया, अगर 3 शेयर हेल्थ है तो एक बोनस देना है हमें, अगर 3 शेयर हेल्थ है तो एक बोनस देना है, अंडरस्टूड। तो ऑलरेडी हमारे शेयर्स कितने, इक्विटी शेयर्स ऊपर देखो 1,20,000, तो 1,20,000 को बोनस कितना क्रॉस मल्टीप्लाई 1,20,000 × 1/3, तो हमारे शेयर आएगा बोनस का 40,000। एक शेयर कितने रुपीज का है आप देखो, 10 ईच, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर नहीं देखना है, 10, तो कितना रुपीज का होगा, 4 लाख। चलो अभी इसमें आप रिजर्व यूज करोगे, पहले सीआरआर, तो सब में देखो सीआरआर कितना रुपीज था, 75,000, देखो सीआरआर 75। नेक्स्ट सी आपका पर्पस अगर सीआरआर से हो गया तो आपको नेक्स्ट रिजर्व यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रुपीज है, 50,000, तो आउट ऑफ 4 लाख 75 हो गया सीआरआर से, 50 हो गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम से। देन जनरल रिजर्व, डीपी में जनरल रिजर्व लेना है, तो जनरल रिजर्व में पूरा 2,25,000 यूज कर लेना है, 2,25,000 बचा हुआ मिनिमम पीएनएल, आप पहले पीएनएल भी ले सकते थे बट सब में मेंशन है, तो -225, 4 लाख में से 75 निकाल दो, 50 निकाल दो, 225 निकाल दो, तो पीएनएल बैलेंसिंग अमाउंट लेना है 50,000, कितना लेना है 50,000, अंडरस्टूड, इजी पीजी। अभी नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें 3,50,000 में से 50 निकल जाएगा ओनली, न्यू बैलेंस शीट में रिजर्व में ओनली पीएनएल अपियर होगा, देखो सारे रिजर्व तो यूज कर लिया हम लोग ने बोनस में। ये वर्किंग समझ में आया अच्छे से बच्चों, ठीक है, लिखो इसका वर्किंग एंट्री करना और फिर बैलेंस शीट में दिखाना है आपको, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, अधूरा ही बैलेंस शीट दिखेगा, फुल फ्लेश तो दिखेगा नहीं। चलो इजी स्टार्ट करें, चलो पहले जनरेट इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ प्रसन्ना लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। चलो एंट्री में फर्स्ट पहले आपको उसे फुल्ली पेड करना होगा मनी रिसीव करके, फिर आपको पार्टी पेड फुल्ली पेड बोनस देना है, उसकी दो एंट्री, तो दो एंट्री फाइनल कॉल डिमांड और रिसीव की और दो एंट्री फुल्ली पेड बोनस शेयर्स की, इजी। तो पहले डिमांड ऑफ फाइनल कॉल, तो एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो ऊपर अमाउंट है वो लिखना है, जो ऊपर फाइनल कॉल का अमाउंट था ना 1,20,000 × 2, 2,40,000, चलो बी शेयर फाइनल कॉल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन डैश डेटेड डैश। चलो अभी उनसे पैसा रिसीव करना है, तो पेमेंट रिसीव कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसा और एक सेम सब मैंने रखा है, उसमें फाइनल कॉल पेंडिंग है और मेंशन नहीं किया है कि बोनस, तो आपको पार्टली पेड बोनस देना है और फिर फाइनल कॉल फाइनल बोनस देना है, अंडरस्टूड। जब भी मेंशन किया होता है मनी रिसीव तो मनी की एंट्री कर दो, राइट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना रुपीज है, 2,40,000 मनी रिसीव में बीइंग
120,000 share final call money received at the rate rupees 2 per share. Now bonus. तो बोनस में हमने जो जो रिजर्व ऊपर वर्किंग में यूज किया वो सब लिखना है. सीआरआर अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना यूज किया है 75,000. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, राइट, जनरल रिजर्व यूज कर रहे हैं तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, जनरल रिजर्व 2,25,000. फिर पीएनएल था, पीएनएल रिमेनिंग अमाउंट यूज किया है हमने, राइट, रिमेनिंग कितना 50,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स. इसका बींग क्या आएगा, बींग फुल्ली पेड बोनस शेयर डिक्लेयर आउट ऑफ रिजर्व्स, बींग फुल्ली पेड बोनस शेयर डिक्लेयर आउट ऑफ रिजर्व्स. फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 lakhs. Understood? तो देखो कैपिटल क्रेडिट हो गया और रिजर्व डेबिट हो जाता है. बी फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. Understood? इजी. चलो अभी वो लोग ने एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछा था कि ये सब चीजें बैलेंस शीट में कैसे अपियर होगा वो दिखाना है हमें, ठीक है. तो बैलेंस शीट में यही जो है पार्ट वही, बट हम लोग ये जो वर्किंग नोट है वो नोट टू अकाउंट में दिखाते हैं, याद है, राइट. और बैलेंस शीट में अमाउंट डायरेक्ट लिखते हैं नोट नंबर के साथ. तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं ये. बैलेंस शीट ऑफ प्रसन्ना लिमिटेड, बैलेंस शीट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट है ये, ठीक है. पर्टिकुलर्स नोट नंबर और रुपीस, हाँ, पहले फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, इसका नीचे बनेगा नोट टू अकाउंट, राइट. इसमें बोनस है तो आपको नोट लिखना होगा ऑफ द अबाव 40,000 इक्विटी शेयर इशूड एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, राइट. ये जो आपने बोनस दिया है तो वो दिखाना पड़ेगा बिकॉज अदर देन कैश है, तो सब नीचे वर्किंग नोट में करना है. फिर रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें एक ही पीएनएल अमाउंट आएगा, बस ये टोटल लिख देना है, एक्सट्रैक्ट है. तो नीचे नोट टू अकाउंट बनाए, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं नोट टू अकाउंट. इसमें फर्स्ट बनेगा शेयर कैपिटल, उसमें पहले लिखना है ऑथोराइज, जस्ट इन्फो है, और ये सारा वर्किंग हम लोग को ऑथोराइज कैपिटल इसमें दिखाना है नोट में. ये जो ऊपर था ना 12,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, वो जस्ट इन्फो है, आपको दिखाना है सेम एज इट इज 32. तो दिखा दो 12,000 10% preference shares of rupees 100 each 12 lakhs. दो अमाउंट के कॉलम रखना है, इनर आउटर,
उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल रखना है। फिर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 100 ईच, ये कितना आएगा? 20 लाख। 20 लाख टोटल 32 लाख। 32 लाख और नीचे 2 अंडरलाइन, जस्ट इन्फो है। अभी आपका इश्यूड सब्सक्राइब में कितना आएगा वो मेन है। तो प्रेफरेंस शेयर्स तो पूरा 12 इश्यूड है, वो तो एज इट इज आएगा, कुछ रिडीम नहीं किया है। तो इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, इसमें आपका 12,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीस 100 ईच फुल्ली पेड अप, पूरा पेड अप है, फुल्ली पेड अप। तो ये अमाउंट 12 लाख एज इट इज आएगा। अभी इक्विटी का मेन देखना है। इक्विटी में अगर आप रुपीज वाइज जाओ तो 9,60,000 रुपीज एक क्रेडिट हमने जर्नल में देखो, सेकेंड एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर क्रेडिट किया था तो प्लस 2,40,000, और लास्ट एंट्री में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था 4 लाख प्लस 4 लाख, तो टोटल अमाउंट आएगा 16 लाख। एक शेयर है 100 रुपीज का है, राइट 10 रुपीज का है, तो आपका नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा 1,60,000। तो 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 इच फुल्ली पेड अप। अदर वे में देखो 12,000 ऑलरेडी शेयर्स है, 1,20,000 ऑलरेडी शेयर्स है ये वाले, प्लस 40,000 बोनस, 1,20,000 प्लस 40, 160, तो 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच फुल्ली पेड अप। अंडरस्टूड? आइदर कैसे भी जाओ, शेयर वाइज या रुपीज वाइज सेम ही आएगा। तो इसमें लिखो 1,60,000, तो लॉजिकली जो 2 लाख ऑथोरिटी है 2 लाख, उसमें से मैंने 1,60,000 इशू किया है। अंडरस्टूड? तो 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ऑफ रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड अप, राइट? क्या आएगा? फुल्ली पेड अप कितना आएगा? 16 लाख, और टोटल कितना हो जाएगा? 28 लाख। ये हमारा ऊपर बैलेंस शीट में आएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बच्चों? तो ये तुम्हारा 28 लाख ऊपर बैलेंस शीट में अपीयर होगा, ठीक है? तो ये 28 लाख यहाँ पे लिखना है आपको, नेट फिगर 28 लाख जो ऐड करके आएगा वो। अभी नीचे है ना बच्चों, वहां पे एक नोट लिखना है, और यहाँ पे ये जो आपका इक्विटी शेयर्स है उसमें बोनस शेयर इंक्लूडेड है, राइट? जो अदर देन कैश है, ऑफ की अबाउ 40,000 इक्विटी शेयर आर इशूड एज फुल्ली पेड बोनस शेयर, ये लिख सकते हो आप, ठीक है? लिखो ऑफ की अबाउ 40,000 शेयर्स आर इशूड एज fully paid bonus shares, understood? ये नोट है, नोट के अंदर नोट, understood? ये लिखाना पड़ेगा एग्जाम में आपको, ठीक है? अभी अगर आपने नोट इधर लिखा है ना, तो इसका टोटल खाली एग्जाम में ऐसा नीचे लिखना थोड़ा, 28 लाख नीचे चलेगा, ठीक है? ये बैलेंस शीट में दिखाना है, क्योंकि आपको नोट टू अकाउंट में तो सब चीज दिखानी होती ना, दैट्स वाई। चलो नेक्स्ट बनेगा नोट, रिजर्व एंड सरप्लस। अभी देखो बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस में हमने सारे रिजर्व यूज कर लिए। रिजर्व एंड सरप्लस में सीआरआर यूज हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो गया, जनरल रिजर्व यूज हो गया, तो लॉजिकली आपका पीएनएल था ओरिजिनल बैलेंस शीट में देखो 3,50,000, बट उसमें से भी आपने 50,000 बोनस यूज कर लिया, तो इन शॉर्ट खाली 3 लाख अपियर होगा। अंडरस्टूड? तो रिजर्व में बचा है 3 लाख, तो पता मैंने स्टार्टिंग ही किया था तभी बताया था, रिजर्व डिक्रीज कैपिटल इंक्रीज, उसे ही बोनस बोलते हैं हम लोग। अंडरस्टूड? बोनस का मतलब ही वो होता है। तो आपका ये रिजर्व कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था ना सम में, दैट्स वाई।
और दूसरा आप देखो, आपने शेयर इशू किया, फाइनल कॉल रिसीव किया था तो बैंक अपीयर हुआ था, लेकिन सब में बैंक दिया नहीं है तो हम लोग लिख नहीं रहे बैंक। अंडरस्टूड, बैंक भी आ रहा है ना, वो भी आप बोल सकते हो सर बैंक तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, दिखाने तो करंट असेट्स में नीचे है, बट क्वेश्चन में खाली शेयर कैपिटल रिजर्व था तो उतना ही बनाया है नोट टू अकाउंट, टोटल बिटल कुछ नहीं, टैली नहीं, राइट। बैलेंस शीट ऐसी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, देखो ऊपर मैंने वर्ड भी लिखा है एक्सट्रैक्ट, तो आपको लिखना होता है वैसा। अंडरस्टूड, इजी, राइट। ऐसे 5 मार्क्स के लिए आया हुआ सम था, बट थोड़ा छोटा सा, 5 मार्क्स के लिए थोड़ा छोटा, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, ये थोड़ा समझा, डाइजेस्ट हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम, ये थोड़ा अच्छा ट्रिकी सम है, इसमें डायरेक्ट फुल्ली पेड बोनस शेयर्स है और मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं किया है कि क्या वो फाइनल कॉल पेंडिंग है, उसका क्या करना है, और नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं दिया है, वो सब बहुत ट्रिकी है। ये बहुत बोर्ड में पहले आया हुआ है, 5-6 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा सम है ये, ठीक है। पढ़ता हूँ, जरा ध्यान दो। द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2024 इज एज अंडर एसेट्स एसेट्स लाइब्रेरी साइड ऑथोराइज शेयर कैपिटल 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच। ये जस्ट इन्फो होता है, मुख्य सर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आई स्टैंड फॉर इन्फॉर्मेशन। 15 लाख्स इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल 7.5 ईच कॉल्ड अप एंड पेड अप 6 लाख्स। अभी प्रिंटिंग एरर नहीं है, देन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, देखो यहाँ पे व्हाट अबाउट नंबर ऑफ शेयर्स, लास्ट समय कैसा था, 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच ₹8 कॉल्ड अप पेड अप, यहाँ पे 7.5, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, ये नंबर ऑफ शेयर एक्स इंटू दिस फिगर गिव्स यू दिस फिगर, इक्वल टू ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है इंटू 7.5 गिव्स यू दैट, तो अब 6 लाख डिवाइड बाय 7.5 करो, 6 लाख डिवाइडेड बाय 7.5, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 आता है, 80,000 शेयर्स आ रहे हैं, 80,000 करेक्शन ही है, खुद को बोर्ड में ढूंढना था। आधे बच्चे ना ये समय ये शेयर्स ले लेते हैं, नहीं इट्स ऑथोराइज, वो तो लेना ही नहीं है, जस्ट इन्फो है, वो तो खाली दिखाते हैं हम लोग कि ये ऑथोरिटी है, उसमें से आपने कितना इशू किया है वो लेना है। तो इशूड 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹7.5 ईच कॉल्ड अप एंड पेड अप लेना है, अंडरस्टूड। तो 80,000 इंटू 7.5, देखो 6 लाख्स आता है, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स नहीं था, अमाउंट था 7.5 था, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 7.5 आ जाएगा, इजी, राइट। आगे रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फुली पेड बोनस में यूज कर सकते हैं, प्लान रिवैल्यूएशन रिजर्व कोई रिजर्व कोई पर्पस के लिए रखा है तो वो यूज नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जरूरत पड़ने पे कर सकते हैं, बट मेंशन नहीं है समय, जनरल रिजर्व डीपी तो वो यूज कर सकते हैं, सीआरआर यस, सिक्योरिटी प्रीमियम यस, जनरल रिजर्व डीपी यस। नाउ नीचे द कंपनी वांट्स टू इशू बोनस शेयर टू इट्स शेयर होल्डर 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, तो बच्चों ये लाइन फुल्ली पेड बोनस शेयर्स है या पार्टली पेड की वो आप देख के बताओ। अगर वो लोग ने बोला है कि आपका 2 शेयर हेल्ड है तो हम लोग 1 बोनस देंगे, 2 पे 1, तो ये फुल्ली पेड बोनस शेयर्स है या पार्टली, तो ये फुल्ली पेड बोनस शेयर्स है, 2 पे 1 फुल्ली। अभी क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्विटी शेयर फुल्ली पेड है ही नहीं, क्योंकि 7.5 है, 10 रुपए का शेयर है ना, आपका 10 रुपया कॉल्ड अप होना चाहिए, वो तो है ही नहीं, 7.5 है, तो 2.5 का 2 ऑप्शन है, या तो मनी रिसीव कर सकते हो या तो वो भी एज अ पार्टी पेड बोनस शेयर दे सकते हो। आगे पढ़ते हैं फिर बताता हूँ क्या करना है। नेसेसरी रेजोल्यूशन वे पास रिक्वेस्ट लीगल रिक्वायरमेंट वे कंप्लीट विद यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्न इफेक्ट टू द प्रपोजल बाय पासिंग जर्नल इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एंड शो द अमेंडमेंट बैलेंस शीट, वही एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट जो अपने हिसाब से हमें दिखाना है, राइट, सन्ड्री एसेट्स वाला लिख के, अंडरस्टूड। अभी समय बच्चों इधर मेंशन नहीं किया है तो आपको वो भी बोनस देना है, अंडरस्टूड, हो जो पार्टली पेड है ना वो भी बोनस, सी रूल है, जब तक वो फुल्ली पेड है नहीं आप फुल्ली पेड बोनस दे नहीं सकते हो, उनसे मनी रिसीव हो तो लिखा ही नहीं है तो वो भी आपको एज अ बोनस डिक्लेयर कर देना है, अंडरस्टूड। कोई कोई ऑथर में आप देखोगे इस कारण में तो वो लोग ने मनी रिसीव की एंट्री किया होता है, बट लॉजिकली अगर आपको फुल्ली पेड बोनस शेयर देना है उसका आप डबल बोनस दे रहे हो, पार्टली पेड भी बोनस शेयर और फुल्ली पेड भी बोनस शेयर, अंडरस्टूड, उनके लिए विन विन सिचुएशन है, किसके लिए, होल्डर के लिए, फेयर। आगे बढ़े बच्चों,
अंडरस्टूड, ये कंसेप्ट समझ में आया, ये जो नीचे वाला था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंपनी वॉन्ट्स टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, डायरेक्ट फुल्ली पेड, तो फुल्ली पेड के लिए ऑलरेडी फुल्ली पेड शेयर्स होना चाहिए, अगर नहीं है तो वी हैव टू अज्यूम कि उनसे फाइनल कॉल बोनस दिया है और फिर हमने फुल्ली पेड बोनस दिया है। अगर मनी रिसीव्ड होगा तो दे हैव टू मेंशन, क्लियर। चलो आगे बढ़े, नेसेसरी रेजोल्यूशन और पास एंड कंप्लीट, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जर्नल एंट्री एंड अमेंडमेंट बैलेंस शीट। पहले वर्किंग करेंगे बच्चों, हाँ अभी इसमें रिजर्व आप कौन सा यूज करोगे, CRR सिक्योर्ड प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, बट फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए CRR सिक्योर्ड प्रीमियम है और DP, बट पार्टली पेड के लिए DP यूज करना है, DP ओनली जर्नल रिजर्व आप अभी इधर कर सकते हो, अंडरस्टूड राइट, आप वो क्या CRR और सिक्योर्ड प्रीमियम नहीं कर सकते हो, अंडरस्टूड, ये एकदम क्लियर हुआ राइट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3, अभी पार्टली पेड बोनस शेयर्स, अभी पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते वो लिख देता हूं ऊपर, अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे ढूंढते, 6 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 7.5, तो आपका 80,000 शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 80,000 शेयर्स। नाउ पार्टली पेड बोनस शेयर 80,000 शेयर्स का 2.5 पेंडिंग है राइट, फाइनल कॉल अमाउंट पेंडिंग है, फाइनल कॉल पेंडिंग है, अंडरस्टूड, तो 80,000 इंटू 2.5 तो आपका 2 लाख रुपीज का पार्टली पेड बोनस शेयर्स देना है, तो इसके लिए हम लोग डीपी जर्नलिज्म में देखो 3 लाख रुपीज है, आप जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो क्योंकि वो डीपी है, जनरल रिजर्व में देखो 3 लाख है, अभी 3 लाख निकल गया तो अभी जनरल रिजर्व 1 लाख ही बचा है जो यूज कर सकते हो आप, इजी। इसके लिए 3 एंट्री है, पार्टी पेड बोनस शेयर्स की 3 एंट्री थी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, अंडरस्टूड, ये 3 एंट्री पास करनी है, इजी। आगे बढ़ू, चल अभी फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, उसके लिए प्रपोर्शन देते हैं और बोनस, नाउ समय दिया है 2 शेयर हेल्ड है तो 1 बोनस मिलेगा उनको, तो हमारे टोटल 80,000 शेयर्स है तो बोनस कितना, क्रॉस मल्टीप्लाइड 80,000 इंटू 1/2 40,000 शेयर्स, एक शेयर कितने रुपीस का है, 10 राइट, अभी 7.5 पेड अप था, 2 रुपीस फाइनल कॉल हम लोग ने फुल्ली पेड कर दिया तो 10, तो अभी फुल्ली पेड हो गए शेयर्स, तो 4 लाख के लिए बोनस फुल्ली पेड देना है, पहले आप यूज करोगे CRR, समय देखो CRR 1,50,000 है, देन आप यूज करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम, तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम बराबर 1,50,000 है, उसके बाद आप यूज करोगे जनरल रिजर्व, 3 लाख हो गया, जनरल रिजर्व में देखो 1 लाख पेंडिंग था, आपने ऊपर 2 लाख पार्टली पेड बोनस शेयर्स के लिए यूज किया, 3 लाख था, 2 लाख गया, तो 1 लाख है तो और बोनस में यूज कर सकते हो, देखो CRR कितना है 150, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 150 और जर्नल रिजर्व 3 लाख था, 2 लाख आपने पार्टली पेड बोनस शेयर में यूज किया तो 1 लाख फुल्ली पेड बोनस शेयर में यूज कर सकते हो, अंडरस्टूड राइट, तो बराबर रिजर्व होगा ही होगा, उसका आप वरी मत करो, सॉर्ट, ये क्लियर हुआ, लिखो वर्किंग, फिर एंट्री करते हो और अमेंडमेंट बैलेंस शीट, बट बैलेंस शीट रिवाइज शेड्यूल थर्ड वाइज बनेगी, तो कैपिटल है, रिजर्व है और एसेट्स में तो ओनली सन्ड्री एसेट्स ही है, और ये जो बोनस है रिजर्व डिक्रीज कैपिटल इंक्रीज, तो आप घूम फिर के वही प्लस माइनस होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ये भी बहुत ओल्ड बोर्ड में आया हुआ समय 6 मार्क्स का, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, चलो फर्स्ट एंट्री,
शेयर फाइनल कॉल के 2 लाख रुपीस की एंट्री होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अकाउंट 2 लाख रुपीस, 80,000 इंटू 2.5, दैट 80,000 इंटू 2.5, अंडरस्टूड, 80 into 2.5, 2 lakhs ऊपर वर्किंग किया, बीइंग शेयर फाइनल कॉल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन डैश डेटेड डैश। नाउ रिजर्व, तो जनरल रिजर्व यूज कर रहे थे हम लोग, तो एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने रुपीस का दोगे, 2 लाख, कितना रुपीस का बोनस है, 2 लाख, बी टू फाइनल कॉल नहीं सॉरी टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर फाइनल कॉल कर सकते हो। हाँ, तो इसमें बी पार्टली पेड बोनस शेयर डिक्लेयर आउट ऑफ जनरल रिजर्व, और थर्ड बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। ये सबकी तीनों की फाइनल एंट्री याद है आपको क्या होती है, रिजर्व टू कैपिटल, सब बोनस विनस इंटरनली कैंसल हो जाता, रिजर्व डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, राइट। ये तीनों का फाइनल एंट्री ये है, बीइंग फाइनल कॉल एडजस्टेड एज अ बोनस, ये हुआ फुल्ली पेड पार्टली पेड बोनस है, अभी फुल्ली पेड बोनस है, तो इसके लिए आपने यूज क्या किया है, सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। करें एंट्री नेक्स्ट, फोर्थ सीआरआर अकाउंट डेबिट, सीआरआर अकाउंट डेबिट कितना हमने यूज किया है, 1,50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, वन लाख फिफ्टी थाउजेंड जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना होगा, 1 लाख टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, फोर लैक्स, बी फुल्ली पेड बोनस शेयर डिक्लेयर आउट ऑफ रिजर्व, ये फुल्ली पेड बोनस शेयर डिक्लेयर किया हमने, परफेक्ट। नाउ बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, राइट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इजी बींग फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अच्छा, अभी बैलेंस शीट बना देते, एक अमेंडमेंट बैलेंस शीट बोला है, तो बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड बन जाएगी, आ जाएगी, नोट नीचे बना देंगे। चलो बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड पर्टिकुलर्स, नोट नंबर इसका तो नोट आएगा ही, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का, राइट, सन्ड्री एसेट्स डायरेक्ट चलेगा। नाउ फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल
तो शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट बनेगा, फिर रिजर्व एंड सरप्लस नोट टू, सम में देखो आप क्वेश्चन में ही देखो लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल और रिजर्व ही है और कुछ करंट लाइबिलिटी लोन है ही नहीं, तो ठीक है जो है उससे काम चला लेंगे हम। अंडरस्टूड? तो ये हमारा आ जाएगा टोटल, राइट, टोटल लाइबिलिटी वाला अमाउंट, नॉन करंट लाइबिलिटी डैश करंट लाइबिलिटी डैश लिख सकते हो, टाइम वेस्ट। सेकेंड एसेट्स, उसमें डायरेक्ट सन्ड्री एसेट्स दिया है, तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स आप लिख सकते हो, अंडरस्टूड? खाली सन्ड्री एसेट्स ही दिया है दोनों मिक्स करके, सन्ड्री का मतलब भी होता है मिक्स, इसके अंदर सब चीज है, कैश सब, फिक्स एसेट्स सब, और टोटल दोनों मैच मैच हो जाना चाहिए, इजी, ठीक है। चलो शेयर कैपिटल अच्छे से समझना नहीं तो गड़बड़ होगा। 80,000 शेयर था जो फुल्ली पेड किया और प्लस 40,000 का बोनस दिया है, 80 ऑलरेडी था जो हमने फाइंड आउट किया था, 80, राइट, वर्किंग में देखो ऊपर 80, ये 80 प्लस हमने बोनस दिया 40,000, तो 80 प्लस 40 बैलेंस शीट में आएगा 1,20,000, कितने शेयर्स आएंगे, 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच, अंडरस्टूड, राइट। बैलेंस शीट में ये नंबर ऑफ शेयर्स ध्यान देना बराबर से। चलो उसका नोट बनाएंगे, नीचे लिखेंगे नोट, ये हो गया बैलेंस शीट छोटा सा प्यारा सा स्वीट सा। नाउ नोट टू अकाउंट, लाइन ड्रॉ रखना है आपको, मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट शेयर कैपिटल, चलो इसमें आपको पहले लिखना होता है ऑथोराइज, ऑथोराइज, देखो सब में ऑथोराइज शेयर कैपिटल दिया था 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच, बहुत ओल्ड एक बोर्ड में समा गया था गड़बड़, एक बच्चों 80,000 प्लस 40 का 120 हो गया इशूड, ऑथोराइज है ना थोड़ा कम था, तो कभी पता है ना ऑथोराइज भी रिवाइज होता है, आपको ऑथोराइज भी रिवाइज करते, अगर सपोज तुम्हारी ऑथोरिटी खत्म हो गई और तुम्हें शेयर इशू करना है या फर्दर आईपीओ लाना है या बोनस इशू करना है तो आप अप्लाई करके ऑथोरिटी रेज कर सकते हो, अंडरस्टूड? तो वो पॉइंट पे भी ध्यान रखना था वो सामने कि आपकी ऑथोरिटी जैसे अभी 1,20,000 ऑथोराइज कैपिटल सपोज 110 ही है तो आपको ऑथोराइज चेंज करने या लिखना नहीं है, वो ऑब्वियसली अज्यूम करने की वो रिवाइज हुआ होगा, जैसे इधर 1,50,000 है उसमें से आपने 120 इशू किया, 80 प्लस 40 120, तो फेयर है, परफेक्ट है, तो ऑथोराइज में लिखना है 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच, ऑफ रुपीस 10 ईच, राइट, कितना होगा टोटल 15 लाख, और नीचे दो अंडरलाइन जस्ट इन्फो है, ऑथोराइज कैपिटल इज जस्ट इन्फो, फिर हमारा आता है इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, अभी आपका इसमें लिखना है 1,20,000 80 प्लस 40 ऐड करके 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच फुल्ली पेड अप, क्या है ये तो फुल्ली पेड अप है, तो ये कितना आएगा 12 लाख। अभी इसके अंदर भी बोनस है, बोनस दोनों टाइप के, फुल्ली पेड और पार्टली पेड दोनों, अंडरस्टूड? तो दोनों बोनस दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखो ऑफ द अबव, पहले वो कितना रुपीज था 2.5 पार्टली पेड बोनस शेयर डिक्लेयर किया था और 2:1 40,000 शेयर्स बोनस है, ऑफ द अबव रुपीज 2.5 फाइनल कॉल एडजस्टेड एज पार्टली पेड बोनस शेयर्स एंड 40,000 शेयर्स, 40,000 था ना, 40,000 शेयर्स आर इश्यूड
I should as fully paid bonus shares. Fully paid bonus shares out of reserve लिख सकते हो, but ठीक है, understood. तो ये हमारा 12 lakhs balance sheet में appear होगा. आपका share capital कितना आ जाएगा? 12 lakhs. तो ये जो ऊपर share capital है उसमें 12 lakhs. अभी रिजर्व में आप देखो क्या क्या यूज कर लिया. CRR वो नहीं आएगा. प्लांट रिवोल्यूशन रिजर्व यस. सिक्योर प्रीमियम भी यूज हो चुका है, नहीं आएगा. डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व यस. इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व यस. और जनरल रिजर्व भी पूरा यूज हो गया, 2 लाख पार्टली पेड में और 1 लाख फुल्ली पेड में. अंडरस्टूड. तो नेक्स्ट नोट है रिजर्व एंड सरप्लस. चलो उसमें लिखते जाओ प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व. प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व. प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना रुपीज है? 20,000. फिर सिक्योर्ड प्रीमियम यूज हो चुका है. डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व. डेवलपमेंट डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व. डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व कितना रुपीज है? 2,30,000. इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व. राइट. ये सब ऐड करके, क्योंकि जनरल रिजर्व भी यूज हो चुका है ना बच्चों, तो 20 + 230 + 250 5 लाख. ये हमारा ऊपर रिजर्व में आएगा. और 12 और 5 17. और आपका उधर देखो एसेट्स में ऑलरेडी 17 है, इसमें तो कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ. रिजर्व कम हुआ, कैपिटल अप हो गया. इजी. तो ये कितना है? 5 लाख्स ऊपर रिजर्व में, यहाँ पे 5 लाख्स. तो इन शॉर्ट टोटल 17 लाख्स. यही सेम सन्ड्री एसेट, सन्ड्री मीन्स मिक्स एवरीथिंग, वही 17 है और वही टोटल मैच हो रहा है. इजी. अंडरस्टूड बच्चों? ये क्लियर हुआ कंसेप्ट? इजी है बोनस, राइट? तो ये वाला अच्छा सम था. अभी एक मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ राइट्स का सम रखा है, राइट? वैल्यू ऑफ राइट्स. तो ये बैलेंस शीट देख लो अच्छे से. एसेट्स में कुछ प्लस माइनस नहीं था, एंट्री में भी कुछ नहीं था, तो सेम. अभी एक सम है वैल्यू ऑफ राइट्स, राइट? ये अपने बुक में ही था ऐसा वाला सम, वही टाइप में है, बुक का ही सम है. ये वन ऑफ द फेवरेट सीएस का सम है जो 5 मार्क के लिए बोर्ड में आया हुआ था, खाली वैल्यू ऑफ राइट्स एक्सप्लेन करने के लिए, और कोई सम नहीं था. तो ये रखा है, बराबर से समझो. वैल्यू ऑफ राइट्स क्या होता है नॉर्मली? व्हाट इज राइट इश्यू? मैंने बताया था जो मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसको अगर मार्केट प्राइस हायर है तो मैं उसको एक लोअर प्राइस में दूंगा. तो आपको पहले वैल्यू ऑफ राइट्स ढूंढने के लिए एक एवरेज प्राइस ढूंढना है, जो अज्यूम करना है कि कोई होल्डर के पास मेरी कंपनी के शेयर्स नहीं है. अगर उसे राइट शेयर्स खरीदना है तो पहले जो राइट का प्रपोर्शन है उतने शेयर्स मिनिमम उसको मार्केट प्राइस में खरीदना होगा. फिर आके वो एक डिस्काउंटेड प्राइस में मेरे से एक शेयर खरीद सकता है जो भी मैं राइट्स इश्यू दे रहा हूँ. ये दोनों शेयर्स मिला के, दोनों प्राइस मिला के एक एवरेज प्राइस निकालना है. फिर वैल्यू ऑफ राइट्स होता है मार्केट प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ राइट्स. तो आपका वैल्यू ऑफ राइट्स आ जाएगा. अंडरस्टूड? इसका वन ऑफ द फेवरेट ये सम है, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने रखा है. डिस्कस करते हैं, बराबर से समझो, राइट? चलो. Now, Fitness Limited is planning to raise fund by making a right issue of equity share to part of finance its expansion. The existing equity capital of rupees 40 lakhs. ये just info है, कुछ काम का नहीं है. The market value rupees 45 per share. ये काम का है. Market value आज का कितना है? 45. The company offered to its shareholders the rights to buy
टू शेयर एट द रेट 12 ईच फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड. तो अगर 5 हेल्ड है तो 2 मिलेगा उनको राइट्स. अभी मैं उसे 45 का शेयर है, मैं कितने में दे रहा हूँ 12. आधे बच्चे वैल्यू ऑफ राइट्स का मतलब होता है प्रॉफिट ऑफ राइट्स, बोलते सर 33, 45 माइनस 12 33, नहीं वो वैल्यू ऑफ राइट्स नहीं है. आप 5 शेयर्स है तो 2 शेयर्स दे रहे हो ना, तो वैल्यू ऑफ राइट्स सबके लिए निकालना होता है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट थियोरेटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर द राइट इशू. तो इसे बोलते सिंपल लैंग्वेज में एवरेज प्राइस पर शेयर. अंडरस्टूड? द वैल्यू ऑफ राइट्स, तो वैल्यू ऑफ राइट्स का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस शेयर्स पर शेयर माइनस एवरेज प्राइस पर शेयर. परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, उसका मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल था और आप जो राइट इशू दे रहे हो उससे कैपिटल इंक्रीज होगा. राइट इशू में तो पैसा लेते, अभी इसमें जर्नलिटी पास नहीं करना है, ओनली ये वर्किंग ढूंढ के देने. 5 मार्क का सम था, बहुत ही स्वीट सम था आई कैन से. अंडरस्टूड? में जो एग्जिस्टिंग शेयर है 40 लाख, राइट, वो कुछ काम का नहीं है, राइट, 40 लाख वो वर्क नहीं है. चलो करते हैं, पहले एवरेज प्राइस निकालते हैं. तो अस्यूम करो एक होल्डर जिसका मेरे कंपनी के शेयर्स नहीं है, तो उसको पहले 5 शेयर खरीदना होगा क्योंकि 5 पे मैं 2 राइट्स दे रहा हूँ. वो 5 शेयर उसे मार्केट रेट है 45, उसमें बाई करना होगा ये जो 5 शेयर्स है वो. उसके बाद वो मेरे से 2 शेयर खरीद सकता है 12 डिस्काउंटेड प्राइस में, 12 रुपीज में. अंडरस्टूड? ये दोनों का पहले ऐड करके एवरेज प्राइस निकालना होता है, फिर एवरेज प्राइस से वैल्यू ऑफ राइट्स मार्केट प्राइस माइनस एवरेज प्राइस करना है. चलो वर्किंग करें. क्वेश्चन नंबर 4. समझते हैं, ध्यान दो. पहले आप देखो रेशियो हेल्ड और राइट्स, कितना हेल्ड है तो कितना राइट्स है. 5 शेयर हेल्ड है तो हम 2 शेयर्स का राइट्स देंगे. अभी वो 5 शेयर्स का, 1 शेयर्स का मार्केट में कितना रुपीज है 45, तो उसे 5 शेयर खरीदना पड़ेगा 5 × 45, तो वो कितने में खरीदेंगे 225. तो हम उन्हें 1 शेयर देंगे कितने रुपीज में 12, तो 12 × 2, तो ये भी 24 रुपीज देना होगा. तो 225 प्लस 24, राइट, प्लस 225, तो 249 रुपीज देना है टोटल. उसके बदले में शेयर्स कितने आएंगे, 7 शेयर्स. तो अभी आपको देखो, एक तो 5 रुपीज में मार्केट प्राइस में खरीदोगे तो आपको कितना अमाउंट देना है 225. 2 शेयर मेरे से डिस्काउंटेड प्राइस में कितने में मिलेगा 12, 24, तो 249 है. तो एवरेज प्राइस पर शेयर, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो ये था, वर्ड कैसे दिया था, थियोरेटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर द राइट इशू. तो आफ्टर राइट इशू एवरेज प्राइस पर शेयर निकलेगा. एवरेज प्राइस पर शेयर या 1 शेयर का 249 डिवाइडेड बाय 7. अगर आपका आंसर पॉइंट में आएगा तो पॉइंट का 2 डिजिट ले लेना और 3rd डिजिट से राउंड ऑफ. तो पॉइंट में आ रहा है 35.571, तो आपको लेना है 35.57. अंडरस्टूड? पर शेयर. अभी ये फर्स्ट का आंसर हो गया. अभी वैल्यू ऑफ राइट्स, तो वैल्यू ऑफ राइट्स आएगा हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस एवरेज प्राइस. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ राइट्स आ जाएगा कितना है, मार्केट प्राइस 45 रुपीज है, 45 माइनस 35.57. तो 45 से ये माइनस कर दो, 45 माइनस 35.57, ये हमारा वैल्यू ऑफ राइट्स हो जाएगा 9.43. इजी. सेकेंड थर्ड पूछा था परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, तो कितने से आपका परसेंटेज इंक्रीज होगा आफ्टर राइट इश्यू देने के बाद. परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, चलो इसको समझो बराबर से.
फाइव शेयर हेल्ड है तो मैं दो दूंगा, तो मेरा कैपिटल दो से बढ़ेगा, दो कंपेयर टू शेयर्स कंपेयर विथ ओरिजिनल शेयर्स, पांच शेयर्स ओरिजिनल है तो आपका पर शेयर वाइज निकाल दो टू अपॉन फाइव इन टू हंड्रेड तो हमारा आ जाएगा अंडरस्टूड इंक्रीज इन परसेंटेज टू डिवाइडेड बाय फाइव इन टू हंड्रेड कितना होगा 40%, कितना इंक्रीज होगा 40%। देखो अगर पांच हेल्थ है तो वो ओल्ड शेयर्स है तो मैं नए कितने शेयर्स दे रहा हूं दो, तो दो से कैपिटल इंक्रीज होगा तो टू कंपेयर विथ फाइव तो टू अपॉन फाइव इन टू हंड्रेड राइट, जो डिफरेंस एडिशन होता है अपॉन ओरिजिनल इन टू हंड्रेड तो 40% से कैपिटल मेरा रेज होगा। आधे बच्चे कंफ्यूज हो रहे तो 40 लाख रुपीज में एंड ऑल, आप पर शेयर वाइज कर लो आपका प्रपोर्शन सेम ही आ जाएगा। अंडरस्टूड इजी, ये थोड़ा डाइजेस्ट हुआ राइट। चलो बच्चों ये कंसेप्ट में यही था पार्ट राइट, राइट इशू बोनस शेयर्स एंड ऑल अच्छा पार्ट है अच्छे से, इसमें फर्स्ट सम बहुत इंपॉर्टेंट था आई कैन से जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग आज ये लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा कॉर्पोरेट का आई थिंक से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी जो हमने हमारे लेक्चर में बताया था, वो सारी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फ्यू सम्स हमने यहाँ पे रखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें जो तुम्हारा कैश होता है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक है ऑपरेटिंग, तीन एक्टिविटीज में आई कैन से डिवाइडेड है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कैश होता है जो रेगुलर बिजनेस करके हमने कमाया हुआ पैसा है, या कैश इनफ्लो होगा तो पॉजिटिव, अगर आउटफ्लो होगा तो नेगेटिव, तो जो रेगुलर बिजनेस करके कमाया हुआ पैसा वो तुम्हारा पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज था। फिर तुम्हारे ये चैप्टर में होता है सेकेंड एक्टिविटीज है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें होता है फिक्स एसेट्स परचेस सोल्ड, इन्वेस्टमेंट परचेस सोल्ड और उससे रिलेटेड इनकम, जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम है वो सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। उसके बाद हमारा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अगर आप कंपनी में कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू जहां से फाइनेंस अरेंज करते हो जैसे शेयर इशू करके या डिबेंचर इशू करके राइट या लोन लेके, ये जो पार्ट है इज अ कॉल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पर जैसे तुम शेयर इशू करते हो तो ऑब्वियसली उसे रीपे करना होगा या रिडीम करना होगा, आप लोन लेते हो तो आपको लोन रीपे करना होगा, उसके पीछे जो भी एक्सपेंस है जैसे इंटरेस्ट राइट, प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड, डिबेंचर अगर इशू करते हो तो डिबेंचर इंटरेस्ट, ये सब पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ये जो हमारा टॉपिक है कैश फ्लो, इसमें हम लोग बताते हैं जो कैश और सेम एज अ कैश है उसका बिजनेस में जो फ्लो है राइट, वो जो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है उसे बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन एक्टिविटीज में डिवाइडेड है, फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये जो तीनों एक्टिविटीज का जो अमाउंट होता है बच्चों, ये तीनों एक्टिविटीज का जो अमाउंट, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अमाउंट ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, मे बी वो कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव होगा, तीनों का जो टोटल है फाइनल टोटल वो या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो इसे बोलते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर नेगेटिव आया तो इसे बोलते हैं नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अगर पॉजिटिव आया तो इसे बोलते नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर नेगेटिव आया तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी बच्चों ये जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें एक्चुअली दो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। आपका एग्जाम में जब सम आएगा तो आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कभी कभी वो लोग मेंशन कर देते हैं कि डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो सॉल्व करो, कभी कभी मेंशन करते हैं इनडायरेक्ट, कभी कभी दोनों मेथड भी है हमारे जेकेसी के टेक्स्ट बुक में लास्ट सम जो दोनों मेथड से मैंने रखा है सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टूड, क्योंकि 1% प्रोबेबिलिटी है, 10% प्रोबेबिलिटी है कि 15 मार्क्स का कंपलसरी एक ही सम आ जाए कैश फ्लो जिसमें दोनों मेथड दे दे, तो हमारी जेकेसी के टेक्स्ट बुक में लास्ट सम है। बट वो लोग मेंशन करते जैसे अभी लास्ट पेपर में, जो लास्ट एग्जाम में सीएस के पेपर में डायरेक्ट मेथड का बहुत ही स्वीट और छोटा सा सम आया था, वही पैटर्न का एक सम मैंने रखा है और इनडायरेक्ट मेथड मैंने फ्यू सम्स रखे। बट आपको लोग मेंशन करेंगे, मेंशन नहीं किया तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट मेथड है। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
वही आपका डिफर करता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो फॉर्मेट है, पैटर्न है, स्टाइल है, वो दोनों मेथड में अलग है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेम है, कोई भी मेथड रहने दो, डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विल बी सेम, ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिफर करेगा। तो अभी डायरेक्ट मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं एज पर फॉर्मेट वाइज। डायरेक्ट मेथड में बच्चों आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, वो स्टार्ट होगा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर से। आपका कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर सब में डायरेक्ट दिया है तो बेस्ट है, जैसे कि अभी सब रखा है मैंने, उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर थ्री, अगर देखो ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर अगर डायरेक्ट दिया है तो बेस्ट है, उनको थैंक यू बोलना है आपको। अगर वो नहीं दिया है तो सब में सेल दिया होगा, क्रेडिट सेल, अभी उस वहां से आपको कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ढूंढना है। तो मैंने फॉर्मेट में लिखा था क्रेडिट सेल में ओपनिंग डेटर्स एड क्लोजिंग माइनस, ओपनिंग रिसीवेबल एड क्लोजिंग माइनस, जो प्लस माइनस करके अमाउंट आएगा उसे बोलते हैं कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ये हो गया, अगर डायरेक्ट दिया तो वो यूज करो, नहीं तो फॉर्मेट को याद करो। सेकेंड होता है कैश पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय। नाउ सप्लायर का मतलब है पार्ट ऑफ COGS, जो हम लोग गुड्स परचेस करते और सप्लायर को जो क्रेडिटर्स को पे करते वो, और एम्प्लॉय का मतलब नॉर्मल जो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो सारे ये चैप्टर में पार्ट ऑफ एम्प्लॉय है। अंडरस्टूड? ऑल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सब पार्ट ऑफ एम्प्लॉय है। तो ऑल सप्लायर्स पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय, ये पार्ट ऑफ, सेकेंड पार्ट है कैश पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज। अगर इसका भी अमाउंट डायरेक्टली गिवन है, जैसे ये सब में देखो डायरेक्टली गिवन है, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, तो ये डायरेक्ट ले लेना है। फेयर नहीं अगर दिया है तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन में COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करना है, जैसे सैलरी एंड ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करना है। फिर उसके अंदर आपको याद होगा तो जो हमारे टेक्स्ट बुक में लास्ट समय क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में ओपनिंग क्रेडिटर्स ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस, लाइबिलिटी में अगर ओपनिंग बिल्स पेबल है तो ऐड क्लोजिंग बिल्स पेबल है तो माइनस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग ऐड क्लोजिंग माइनस, एसेट्स में अगर जाते हो आप स्टॉक या कोई चीज में प्रीपेड में तो ओपनिंग माइनस और क्लोजिंग ऐड, वो करने के बाद जो फिगर आता है वो होता है कैश पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज। ये तुम्हारा फिगर आ गया, जैसे ये समय डायरेक्ट दिया है तो थैंक यू बोल के लिख लेना है। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज, ये माइनस करके जो आता है उसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, रेगुलर बिजनेस करके कैश जो जनरेट किया है वो, उसमें से इनकम टैक्स पेड माइनस कर दो, अगर गलती से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो प्लस माइनस कर दो, एंड देन तुम्हारा फर्स्ट एक्टिविटीज का आंसर हो गया जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम, फिक्स असेट्स परचेस सोल्ड, इन्वेस्टमेंट परचेस सोल्ड, उससे रिलेटेड इनकम। फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेम, शेयर डिबेंचर इश्यू रिडीम, लोन टेकन रीपेड, एंड उससे रिलेटेड एक्सपेंस लाइक प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड, ये सब रिकॉर्ड करना है। ये तीनों एक्टिविटीज के टोटल को प्लस माइनस करना है, या तो तुम्हारा पॉजिटिव आएगा तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेगेटिव आएगा तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करो, तुम्हारा क्लोजिंग आंसर आना चाहिए, तो सम राइट है, फुल मार्क्स। ये हुआ आपका डायरेक्ट मेथड का डिस्कशन। डायरेक्ट मेथड में जो हमारे टेक्स्ट बुक में, जेकेसी के टेक्स्ट बुक में फर्स्ट थ्री सम से, फर्स्ट थ्री सम डायरेक्ट मेथड के CS में आए हुए बोर्ड सम है। आप कोई भी स्कैनर या मॉड्यूल या कोई भी देखोगे, कोई भी पीछे प्रीवियस पेपर, तो उसमें यही तीन सम अब तक सॉल्व किए आए हुए, तो वही तीन सम में से एक सम जो हमारे लास्ट बोर्ड में आया था मैंने एक रखा है आपको डिस्कस करने के लिए, रिवाइज कराने के लिए, रिविजन के लिए। उसके बाद हमारा है इनडायरेक्ट मेथड है, तो पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ फिर इनडायरेक्ट मेथड पे चलेंगे। अभी ये सम पहले डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन नंबर थ्री है, तो मैं वो पहले डिस्कस कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों ये सम में कैश बुक में ओपनिंग क्लोजिंग कैश दिया है, कैश बुक का रिसिप्ट पेमेंट गिवर है, हमारे बोर्ड में रिसिप्ट पेमेंट ये पैटर्न में था, यहाँ पे ऊपर दिया है रिसिप्ट और नीचे पेमेंट, तो बेस्ट है इसमें तुम्हें खाली OA IA FA करना है। क्या करना है बच्चों? OA IA FA, व्हाट इज OA IA FA? OA ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, IA इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, FA फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये टॉपिक में FA इज नॉट फिक्स्ड एसेट्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज,
बस जो पैसा रिसिप्ट साइड है वो आ रहा है पॉजिटिव, जो पेमेंट साइड है वो जा रहा है नेगेटिव। ये चैप्टर में सबसे डाइसी पॉइंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव। कभी कभी बच्चे लोग से सिली मिस्टेक हो जाती पॉजिटिव नेगेटिव लिखने में, तो भी तुम्हारा सम तुम्हें रिवर्स दे देगा, टैली नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव ये सब छोटी मोटी चीजों पे बराबर एक्यूरेसी रखना है। यही सम, यही टाइप का सेम सम बोर्ड में लास्ट पेपर में आया था 5 मार्क्स के लिए, जो थोड़ा कम मार्क्स है, आई थिंक सो 6, 7, 8 मार्क्स के लिए फेयर था। बट ठीक है, डिस्कस करते हैं और पहले डायरेक्ट मेथड समझते हैं, फिर सेम चैप्टर इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस करता हूँ, जो आई थिंक सो बहुत ही लेंथी है, राइट? तो स्टार्ट करें बच्चों पहले ये इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग आर द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ZigZag लिमिटेड रुपीज इन 1000। आप जब भी आंसर करते हो तो रुपीज इन 1000 लिखना है आपको, राइट? बैलेंस एज ऑन 1st July 2001। तो बच्चों ये ओपनिंग बैलेंस है, देखो यहाँ पे क्लोजिंग 30th June 2002 दिया हुआ है, उसका मतलब ये ओपनिंग कैश है 1st July। तो ये पता है हम टैली करते हैं उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, ये कहाँ पे आएगा? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। फिर रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो ये रिसीव फ्रॉम कस्टमर हमारे फॉर्मेट अगर आपको याद होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, राइट? अलग अलग स्टूडेंट बच्चों आप लोग को फॉर्मेट लिखा होगा, बराबर से आपको फॉर्मेट बायर्ड होना चाहिए, तो आपको ये रिविजन में मजा आएगा। इश्यू ऑफ शेयर, शेयर इश्यू कर रहे हो और पैसा आ रहा है, तो ये पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, इसे क्या बोलते हैं? FA, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अब फिक्स एसेट्स सोल्ड करके पैसा आ रहा है, इज अ पार्ट ऑफ IA, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका टोटल, इसे कुछ नहीं करना है। अब ये रिसिप्ट साइड था, तो आप जब भी कैश फ्लो बनाओगे ये पॉजिटिव फिगर रहेगा। फिर पेमेंट टू सप्लायर इज अ पार्ट ऑफ OA, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पेमेंट फॉर फिक्स एसेट्स, उसका मतलब आपने फिक्स एसेट्स परचेस किया है और फिर पेमेंट किया है, इज अ पार्ट ऑफ IA, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, OA, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वेजेस एंड सैलरी पेमेंट में इज अ पार्ट ऑफ OA, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टैक्सेशन पेड, तो इनकम टैक्स पेड इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ पेमेंट साइड पे डिविडेंड, बच्चों ये डिविडेंड आप किसको पे करते हो? शेयर होल्डर्स को, इज अ पार्ट ऑफ FA, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट? सब टोटल कुछ नहीं, बैलेंस एज ऑन 30th June 2002, तो ये आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो लास्ट में टैली में यूज होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द पीरियड एंडेड 30th June 2002 इन अकॉर्डिंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। तो ये चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वाइज रिवाइज वाइज ही बना हुआ है, तो ये बहुत स्वीट सा सम है जो बोर्ड में बहुत कॉमन आता है, जो आपको OA, IFA सब दिया है, बट ये डायरेक्ट मेथड का सम है। अभी देखो बच्चों इधर मेंशन नहीं है कि इधर भी डायरेक्ट मेथड, कभी लिखा है तो फेयर है, नहीं है तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पे टू सप्लायर, ये सब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है। तो ये चैप्टर का आपको जो फॉर्मेट है वो आप 3, 4, 5 बार पढ़ के थरो कर लेना एंड देन आप रिवाइज करना, तो आपके लिए बेस्ट होगा। अंडरस्टूड? स्टार्ट करें बच्चों, राइट? ये सब हम लोग करें। चलो पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। हाँ, मेरा कैसा स्टाइल था, पहले हम लोग फॉर्मेट बना देते थे, उसके बाद सब OA, IFA ये सब लिख देते थे और फिर टैली कर दो, टैली हो जाएगा। अंडरस्टूड? इजी, बहुत स्वीट सा कंसेप्ट है, बहुत प्यार से हो जाएगा, राइट? अच्छा सा, मैं फॉर्मेट वाइज डायरेक्ट लिखते जाता हूँ, करते जाना। इनडायरेक्ट मेथड में पता है मुकेश सर स्टूडेंट आपको पता होगा 7 स्टेप्स, राइट? 7 स्टेप्स से आपको क्रैक करना है, तो 7 स्टेप वाइज आपको क्रैक करना पड़ेगा, वो अपना इनडायरेक्ट मेथड है, वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये वाला सम कर वर्कआउट कर लेते हैं। चलो कैश फ्लो क्वेश्चन नंबर 3। ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ ZigZag, इनर आउटर दो कॉलम बनाना होता था हमें, इन द बुक्स ऑफ ZigZag लिमिटेड ठीक है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट
for the year ended 30th June 2002 दिया हुआ है, for the year ended 30th June 2002 जो दिया है वही। फिर दो अमाउंट इनर आउटर के रखना है आपको, राइट। मैं थोड़ा लाइन बना देता हूँ, मेरा लाइन इसमें थोड़ा गड़बड़ होगा बट ठीक है। थोड़ी लाइन इसमें अच्छे से नहीं आती है। फिर दो अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट रखना है, इनर आउटर। आपको लिखने का प्रेजेंटेशन पता होगा, कैश रिसीव फ्रॉम, पहले लिखना है कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, अगर उसमें कोई ब्रेकअप है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट। अंडरस्टूड, ब्रेकअप आप एग्जाम में ब्रैकेट में दिखा सकते हो, डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हो, कुछ भी चलेगा। स्टार्ट करें, फर्स्ट एक्टिविटीज, राइट। फर्स्ट एक्टिविटीज क्या है हमारी, लिखो फर्स्ट कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो, कॉस्ट फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें आएगा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव्स फ्रॉम कस्टमर्स। आप सब में देखो ये डायरेक्टली दिया हुआ था, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कितना रुपीस, हाँ रुपीस इन थाउजेंड ऊपर लिख देना हमें। इनर कॉलम 5566, ठीक है। देखो क्वेश्चन में दिया है 5566, इजी। देन कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय, कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय। चलो क्या है, कैश पेड टू suppliers and employees। अभी बच्चों इसमें सब चीज आएगा, आपके जो टैक्स सब में था हमारे, ये पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, पेमेंट फॉर वेजेस एंड सैलरी, ये सब पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज है। तो ब्रैकेट में आप दिखा सकते हो, एक एक करके नीचे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। या टोटल भी लिख दोगे एग्जाम में तो भी चलेगा, फेयर है। कैश पे टू सप्लायर अमाउंट कितना था, 4094 प्लस पेमेंट फॉर ओवरहेड्स कितना है, 230 प्लस वेजेस एंड सैलरीज कितना है, 138, ठीक है। तो 4094 प्लस 230 प्लस 138, 4462। आप ये माइनस कर देंगे हम लोग तो हमारा जो फिगर आएगा 1104, इसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो हेडिंग के मार्क्स से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इजी। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, अगर इनकम टैक्स पेड है तो लिखो, नहीं है तो नहीं है। इनकम टैक्स पेड, पैसा आया तो पॉजिटिव, गया तो नेगेटिव, पेड ऑब्वियसली नेगेटिव। टैक्सेशन देखो आप, पेमेंट साइड पे टैक्स था 486, तो ये इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है अमाउंट, तो 486 ये माइनस करके फर्स्ट डायगनली बाहर ले लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, तो हमारा बाहर 618 पॉजिटिव आएगा। अब ये ध्यान रखना है पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपको वर्कआउट करना है, अंडरस्टूड, क्योंकि आंसर में भी पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है, ये सब प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट हुआ कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेम सेकेंड कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी इसमें ये ही नहीं कि खाली पॉजिटिव वाला ही फिगर आए,
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, जैसे फिक्स एसेट सोल्ड, इन्वेस्टिंग फिक्स एसेट सोल्ड, तो मनी आ रहा है पॉजिटिव, फिक्स एसेट परचेज तो नेगेटिव, और फिर फाइनल आंसर दैट्स व्हाई पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव, अंडरस्टूड? तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखना अच्छे से। श्योर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखो आई कौन सा था, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पॉजिटिव, पेमेंट फॉर फिक्स एसेट्स, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स नेगेटिव। अभी बच्चों इसमें आप स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हो, इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यू कैन राइट स्टेटमेंट फिक्स एसेट्स सोल्ड या सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स परचेस, कुछ भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लिख सकते हो, अंडरस्टूड? तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पॉजिटिव, क्वेश्चन में देखो अमाउंट दिया हुआ था कितना है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 460, नहीं सॉरी, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 256 पॉजिटिव। फिर पेमेंट फॉर फिक्स एसेट्स मींस फिक्स एसेट्स परचेज, अब स्टेटमेंट बना के कुछ भी लिखो उसके लिए कोई इशू नहीं है, फिक्स एसेट्स परचेज तो ये नेगेटिव 460 और कुछ नहीं है, तो ये भी डायगोनली बाहर, अंडरस्टूड? तो अभी 256 प्लस और माइनस 460 तो आपका नेगेटिव 204 होगा। उसका लॉजिक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप पैसा बाहर जा रहा है, फ्लो बाहर जा रहा है, नेगेटिव है, राइट? सेकेंड, कैश फ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जैसे शेयर इशू था हमारा यहाँ पे, राइट, इशू ऑफ शेयर्स वो, फिर पेमेंट साइड पे डिविडेंड पेड, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सब पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, अंडरस्टूड? ये सब चीज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करना है। तो इशू ऑफ शेयर्स या शेयर इशूड, इशू ऑफ शेयर्स पॉजिटिव कितना रुपीज है, 600 पैसा आ रहा है, देखो यहाँ पे दिया है ऊपर 600। फिर डिविडेंड पेड, अभी आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों डिविडेंड रिसीव्ड वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है, डिविडेंड पेड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, रिसीव साइड पे होता तो डिविडेंड रिसीव्ड है, पेमेंट साइड पे होगा तो डिविडेंड पेड है, अंडरस्टूड? तो इश्यू ऑफ शेयर्स ठीक है, फिर डिविडेंड पेड क्योंकि पेमेंट साइड पे है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कितना अमाउंट है 160। उसके बाद बैंक लोन रीपेड, तो बैंक लोन पेड या रीपेड, बैंक लोन को रीपे कर रहे हैं तो पैसा बाहर जा रहा है नेगेटिव 500। नाउ ये तीनों को भी डायगनली ले लो और कुछ नहीं है, तो 600 प्लस माइनस 160 माइनस 500 नेगेटिव 60, राइट, नेगेटिव 60। अब ये तीनों जो अमाउंट है 618 पॉजिटिव माइनस 204 माइनस 60 तो 356 पॉजिटिव आ रहा है, कितना आ रहा है 354 सॉरी पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव है तो इसे बोलते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अभी इसमें ओपनिंग कैश ऐड कर दो तो क्लोजिंग आना चाहिए, ओपनिंग देखो प्लस 70 था, ऐड कर दो तो क्लोजिंग देखो 424 आना चाहिए, दिख रहा है 424 वो अमाउंट आना चाहिए, तो सम राइट है, नहीं तो कुछ गड़बड़ है। अभी इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दो, कितना रुपीज था 70, तो आपका क्लोजिंग 424 आना चाहिए, राइट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए, अंडरस्टूड? तो आंसर राइट है, नहीं तो गड़बड़ है। तो बेस्ट सम है वहां पे आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग कैश दिया है तो सिंपल हो जाएगा, बट आपको ये नहीं दिया था कि ये डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट, वो मेंशन नहीं था, वो थोड़ा गड़बड़ था पार्ट, ठीक है। चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट मेथड, तो पहले रिवाइज कराता हूँ बराबर से समझो, राइट, कि इनडायरेक्ट मेथड में क्या क्या चीज आने की प्रोबेबिलिटी और कैसे सम्स आएगी एंड ऑल।
जो इनडायरेक्ट मेथड है ना वो फुल फ्लेज समाने की प्रोबेबिलिटी है 10 मार्क के लिए या 15 मार्क्स के लिए, बट उसमें आपको पता कैसा चलेगा इनडायरेक्ट मेथड का समय, एक तो 2 ईयर्स का बैलेंस शीट का डेटा होगा और नीचे एडजस्टमेंट दिया होता है। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने 7 स्टेप से जो इनडायरेक्ट मेथड 7 स्टेप वाइज सॉल्व करना है, तो मैंने फ्यू सम्स रखे जो प्रीवियस बोर्ड सम है, हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे तो 7 स्टेप्स वाइज ही करेंगे। स्टेप्स ऐसे थे राइट, पहले प्रिपेयर फॉर्मेट, सब 8-8, 8-8, 8-8, 8-9 छोड़ के फॉर्मेट बना देना है, ये मेन आंसर का फॉर्मेट है वो फेयर करना है, बाकी सब रफ वर्क है। फिर ये जो एडजस्टमेंट है उसकी रफली जर्नल एंट्री पास कर देनी है, ये 2nd स्टेप्स था। जब भी आप जर्नल एंट्री पास करते हो तो जर्नल एंट्री में और बैलेंस शीट में जो आइटम मैच हो रहा है उसके लेजर बनाने होते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, वो सबके लेजर बना दो। वो लेजर हम लोग क्यों बनाते हैं, बिकॉज वहां से कोई चीज बैलेंसिंग आएगा। जैसे अगर फिक्स एसेट्स का एडजस्टमेंट आप देखो तो फिक्स एसेट्स में परचेस सोल्ड दिया है तो डेप्री मिसिंग होगा, डेप्री सोल्ड है तो परचेस मिसिंग होगा, तो दैट एक मिसिंग होगा, वो फाइंड आउट करने के लिए वो लेजर बनाते हैं, अंडरस्टूड। तो आपको पहले रफली जर्नल एंट्री लिख दो, उसके बाद लेजर बना दो, लेजर 6-6 लाइन के छोटे छोटे लेजर बनाना है, इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट बट कंपल्सरी बनाना है। जैसे बींग टाइप, आप बींग लिखते हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, बींग नहीं लिखते हो तो मार्क्स कट होता है, सेम ये लेजर नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट होगा, बनाओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, इज अ वर्किंग नोट टाइप। तो एकदम रफली बनाना होता है क्योंकि चैप्टर लेंदी है, सम लेंदी होता है इसके। तो पहला स्टेप था फॉर्मेट, 2nd था जर्नल एंट्री, 3rd था लेजर, फिर ये जो बैलेंस शीट आइटम दिया है उसके सारे आइटम की पोस्टिंग कर दो। इसमें मैंने आपको जो फॉर्मेट लिखाया था उसमें सब लॉजिक बताया था, जैसे इक्विटी शेयर 2 लाख से, जैसे यहाँ पे 3 लाख से 350 हो रहा है, ये सब में तो इंक्रीज हो रहा है, कुछ नीचे चेंज है, कुछ है बोनस या कुछ, तो एडजस्टमेंट में मेंशन किया होगा। इफ नथिंग इज गिवन तो हमें अज्यूम करना है कि ये जो शेयर इंक्रीज हो रहा है हमने इश्यू किया है, इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव। अगर प्रेफरेंस शेयर जैसे कम हो रहा है तो वी हैव टू अज्यूम कि रिडीम किया होगा, तो ये अपने ओन से आपको लेना है, बाय डिफॉल्ट करना है, अंडरस्टूड। तो अभी ये सब रूल मैंने फॉर्मेट में लिख के दिया था, इसे आपको फॉर्मेट एकदम थरा होना चाहिए, फेयर। उसके बाद बैलेंस शीट को पोस्टिंग कर दो, वो सब लॉजिक वाइज, सब एडजस्टमेंट वाइज, जो अभी हम लोग सम करेंगे तो आपका रिविजन होगा। वो करने के बाद बैलेंस शीट को पोस्टिंग करने के बाद जो जर्नल एंट्री है वो सारे जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर दो, ये तुम्हारा 5th स्टेप है, सारी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर दो। उसके बाद जो जर्नल एंट्री रफली लिखेंगे, उसके बाद आउटसाइड लेजर, मेन कैश फ्लो छोड़ के आउटसाइड लेजर टैली कर दो। टैली करने में कोई भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो सारा कैश फ्लो में रिकॉर्ड होगा, फिर लास्ट में कैश फ्लो मस्ट बी शुड बी टैली। तो ये 7 स्टेप वाइज करना है, इसमें स्टेप आगे पीछे मत करना, नहीं तो हो सकता है आप मैस हो जाओ, या कभी कभी बच्चे लोग रफली स्टार्ट कर देते हैं तो आपका टैली नहीं होगा। चैप्टर लेंदी होता है, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट होता है तो लेंदी हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो स्टेप वाइज करोगे तो बेस्ट कवरअप होता है, जैसे फॉर्मेट, प्रिपेयर फॉर्मेट, फिर 5 जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर बैलेंस शीट पोस्टिंग, फिर जर्नल एंट्री पोस्टिंग, फिर क्लोज आउटसाइड लेजर, फिर कैश फ्लो मस्ट बी शुड बी टैली। अभी जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो पार्ट अलग है। जैसे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही ट्विस्ट आने, क्यों? क्योंकि मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही पैटर्न अलग है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो दोनों मेथड में सेम है। नाउ इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, हमें ना जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना उसमें रेगुलर बिजनेस करके कमाया हुआ पैसा चाहिए, जिसको ये चैप्टर के लैंग्वेज में बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इनडायरेक्ट मेथड में वो ढूंढना होता है इनडायरेक्ट वे में, तो इसलिए इसका प्रोफेशनल फॉर्मेट चालू ही होता है एनपीबीटी से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना है। तो अभी आपको पता होगा एनपीबीटी कहाँ से आएगा, तो हम लोग जो लेजर बनाते हैं उसमें कंपलसरी मेरी तरफ से लेजर था पीएनएल अकाउंट। ये पीएनएल हम लोग क्यों बनाते हैं, ओनली फॉर एनपीबीटी ढूंढने के लिए। तो ये कैसे बनाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग पीएनएल लिख दो, जो बैलेंस शीट में पीएनएल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है ना, राइट, वो पीएनएल कंसिडर करना है। वो आपको कहां पे लिखना है, बैलेंस शीट में पीएनएल में जो लाइबिलिटी में पीएनएल दिया है वो पीएनएल में ओपनिंग क्लोजिंग। तो ओपनिंग कैसा, पीएनएल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस सीडी पीएनएल ओपनिंग क्लोजिंग लिखो। पीएनएल अकाउंट डेबिट में 4 आइटम लिखना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये लिखने का जो टैली करो जो डिफरेंस है वो तुम्हारा एनपीबीटी है। तो ये सब में इनडायरेक्ट मेथड में आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट ही होगा एनपीबीटी से। एनपीबीटी के बाद आपको रिवर्स जाके ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढना है। तो इसमें रूल था एनपीबीटी के बाद एडजस्टमेंट फॉर्म में जो भी एक्सपेंस है वो ऐड करो, इनकम है वो माइनस करो। व्हाई? बिकॉज इनडायरेक्ट मेथड है, उल्टा
एनपीबीटी से आपको कौन से प्रॉफिट पे जाना है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, या उसको हम लोग ये चैप्टर के लैंग्वेज में बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो आपको रिवर्स जाके वो ढूंढना है, तो एक्सपेंस क्या कर दो एड, इनकम क्या कर दो माइनस, एक्सपेंस क्या कर दो एड, इनकम क्या कर दो माइनस, ये करने का जो प्रॉफिट आता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है। फिर हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। अभी वर्किंग कैपिटल में ये चैप्टर में 6 आइटम को करंट असेट्स करंट लायबिलिटी नहीं लेना है ये चैप्टर में। वो 6 आइटम कौन से है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में मिला के 6 आइटम, एक है कैश, एक है बैंक, एक है बैंक ओवरड्राफ्ट, एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक है प्रपोज्ड डिविडेंड और एक है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये जो 6 आइटम है ये चैप्टर में करंट असेट्स करंट लायबिलिटी नहीं है, राइट, इसके अलग से ट्रीटमेंट है। इसे छोड़ के जो बाकी के करंट असेट्स करंट लायबिलिटी है लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, स्टॉक एंड ऑल डेटर्स, वो सब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में या तो प्लस होगा या तो माइनस। अब ये प्लस माइनस का लॉजिक क्या था, इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज एसेट्स, इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज एसेट्स, तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें कैश इनफ्लो होता है। दूसरा डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज एसेट्स, डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज एसेट्स, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जिसको मैंने याद रखा था ILDA और DLIA, ILDA इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज एसेट्स, DLIA डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज एसेट्स। ये करने के बाद तो पहले आपका एनपीबीटी से फॉर्मेट स्टार्ट होगा, वहां से एडजस्टमेंट फॉर करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढोगे बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फिर वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे बोलते अमाउंट आएगा उसे बोलते कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अभी आप ये सब में देखो डायरेक्ट मेथड में वो एकदम फास्ट आ गया था, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पे टू सप्लाई एंड एम्प्लॉई, जो आता है उसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में वो थोड़े टाइम के बाद आएगा, कभी पहले एनपीबीटी, फिर एडजस्टमेंट फॉर, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये करने के बाद जो आएगा उसे बोलते कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर उसमें से इनकम टैक्स पेड माइनस कर दो और आपका फर्स्ट आ जाएगा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है तो। फिर जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, वो सेम, राइट, उसके लिए दोनों के लिए रूल सेम। अभी बच्चों ये तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का स्ट्रक्चर हुआ। अभी ये समय ना मैंने बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको लिख के दिए थे, एडजस्टमेंट लाइक वॉट, जैसे फिक्स एसेट्स के लिए मैंने लिख के दिया था परचेस सोल्ड के लिए ट्रीटमेंट, राइट, फिक्स एसेट्स के लिए आप कैसे ढूंढोगे और कैसे अमाउंट निकालोगे वो ढूंढा था, लिखाया था। उसके बाद हम लोग ने प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट लिखा था, प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट लिखा था। आपने अगर फिक्स एसेट्स में देखोगे तो उसमें दो तीन ऑप्शन था, एक तो फिक्स एसेट्स में इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन, इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, ये वाले पार्ट भी थे। तो ऐसे एक एक सब हम लोग ने रखा है, तो आप बराबर से सब चीजें अगर फॉर्मेट बराबर से आपका थर है तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, तो आपको फॉर्मेट बराबर से थरली करना है। मैं खाली ऊपर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान दो। फिक्स एसेट्स में तीन प्रोबेबिलिटी होती है, एक फिक्स एसेट परचेस, एक फिक्स एसेट सोल्ड और एक डेप्रिसिएशन। विदाउट पीएफडी में आपको एक लेजर बनाना है फिक्स एसेट्स, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग लिखना है और उसके अंदर ही परचेस सोल्ड और डेप्री आ जाएगा। तो आपको दो चीज एडजस्टमेंट में दिया होगा, एक मिसिंग होगा, वो ढूंढने के लिए कंसेप्ट है, ढूंढने के लिए चैप्टर है, तो आपको बनाना है, फाइंड आउट करना है, अंडरस्टूड। सेकेंड आपका होता है प्रोविजन, इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन और एसेट सोल्ड है तो आपको कैसे ढूंढना है, उसके लिए आपको फॉर्मेट बराबर से पता होगा। तो फिक्स एसेट्स अगर आप सोल्ड करते हो तो दो एंट्री पास करनी थी, एक नॉर्मल एसेट सोल्ड और एक पीएफटी कैंसल करने की एंट्री, और इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि आपकी एंट्री होगी डेप्री टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होगा, तो वो आपको फॉर्मेट में हमने लिख के दिया है। उसके बाद ये टॉपिक में प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड का एक अलग से ट्रीटमेंट है। प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड में ये है कि इफ प्रोविजन फॉर टैक्स एक होता है पेड और एक होता है प्रोवाइड, तो सम में जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, जैसे कोई एक सम में ले लो, जैसे यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स है ये सम में, तो नीचे एडजस्टमेंट में या तो टैक्स पेड होगा या तो टैक्स प्रोवाइड दिया होगा। तो अगर टैक्स पेड है तो आपका प्रोवाइड लेजर से बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर टैक्स पेड दिया है तो प्रोवाइड वहां से आएगा, अगर एडजस्टमेंट में प्रोवाइड दिया है तो टैक्स पेड तुम्हारा बैलेंसिंग आएगा। तो उसके लिए हम लोग रफली लेजर बनाएंगे, वहां से एक चीज बैलेंसिंग आएगा जो मेरे स्टेप्स में थी। उसके बाद नथिंग इज गिवन, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड का कुछ भी नहीं दिया है, तो उसका रूल ये था ओपनिंग पेड क्लोजिंग प्रोवाइड, ये बाय डिफॉल्ट था ओपनिंग पेड क्लोजिंग प्रोवाइड।
सी अगर एडजस्टमेंट में पेड है तो प्रोवाइड मिलेगा, प्रोवाइड है तो पेड, और नथिंग कुछ नहीं दिया है तो ओपनिंग पेड क्लोजिंग प्रोवाइड, ये बाय डिफॉल्ट रूल है। तो ये बहुत सारे एडजस्टमेंट मैंने लिख के दिए थे और आपको ये पता होना चाहिए, मीन्स जो भी एडजस्टमेंट है उसकी आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, राइट। तो आपका ये टॉपिक बहुत ही इजी और इनडायरेक्ट मेथड बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि जो 7 स्टेप्स है ना उसमें एक ही स्टेप्स में अकाउंटिंग दिमाग लगेगा, वो स्टेप से जर्नल एंट्री में, राइट। जर्नल एंट्री आपको बराबर आनी चाहिए, रफली लिखना है बट वो आनी चाहिए। सब एंट्री आती है ना तो आपका सम क्रैक हो जाएगा। दूसरा, इसमें हिडन एडजस्टमेंट होता है। जैसे अगर यहाँ पे देखो, हमने डिबेंचर में लिया है, जैसे 14% डिबेंचर है, तो अपने ओन से आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करने की एंट्री डालनी है, डिबेंचर इंटरेस्ट टू कैश। यही सब में और एक हिडन लिया है मैंने इन्वेस्टमेंट, जैसे 10% इन्वेस्टमेंट है, उसका मतलब वो 10% आपको इनकम मिलेगा, तो उसकी भी हिडन एंट्री डालनी है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री डालनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो ये हिडन एडजस्टमेंट है जो वर्कआउट करना है। तो आपको एडजस्टमेंट सब चीज क्लियर होना चाहिए तो ये थोड़ा स्मूथ हो जाता है। अंडरस्टूड, राइट। तो फॉर्मेट थोड़ा याद आया कैसे करते थे, 7 स्टेप्स याद आया, राइट। मेरा थोड़ा लाइन में डबल कॉलम बनाऊंगा बट थोड़ा लाइन गड़बड़ होगा, और 7-8-8 लाइन छोड़ के हमारा फॉर्मेट था, 8-8-8 लाइन छोड़ के पहले 1.5 पेज हम लोग फॉर्मेट बनाते थे, फिर रफली एंट्री लिखते थे, उस पैटर्न पे थोड़े सम सॉल्व करते हैं, तो आपको बराबर से क्लियर होगा ये सारे सम थोड़े पास्ट पेपर में आए हुए सम है, अंडरस्टूड। वो थोड़े सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से ग्रिप आएगा, अंडरस्टूड। ओके बच्चों, यस बच्चों स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। थोड़े फ्यू क्वेश्चंस मैंने रखे डायरेक्ट मेथड के, जो स्टेप वाइज करते हैं तो आपको ग्रिप आएगा। ये प्रीवियस बोर्ड के सम है, राइट। प्रीवियस बोर्ड में आगे पीछे कहीं ना कहीं 10 मार्क्स के लिए सम्स आए। इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा बड़ा होता है तो आपको मार्क्स ज्यादा होगा तो फेवरेबल है, राइट। नहीं तो अनफेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि टाइम पेपर खत्म नहीं होगा, लेंथी पेपर होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों सम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितना आपको ग्रिप है। Following are the summarized balance sheet of G Limited, Gamma Limited as on 31st March 2023 and 24. पता ना last 2 years के balance sheet के data होने चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे year में कुछ mention नहीं है, तो ये year 2023 है, ये 2024 है, right? थोड़ा आगे पीछे हुआ है, संभाल लेना, right? चलो ये ओपनिंग क्लोजिंग है। अब ये बैलेंस शीट देखो, रिवाइज शेड्यूल थर्ड टाइप दिया हुआ है, तो ये मैंने जानबूझ करके रिवीजन में रखा है कि आपको ऐसा रिवाइज शेड्यूल थर्ड वाला पैटर्न कभी दे दिया है तो आपको कैसे क्रैक करना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो आप देखो शेयर होल्डर्स पर शेयर कैपिटल 4,50,000, 4,50,000 दोनों सेम है, बेस्ट पहले डिस्कस करता हूँ। जनरल रिजर्व 3,00,000 से 3,10,000, 10,000 बढ़ रहा है, तो ये ट्रांसफर टू रिजर्व होता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, ये पीएनएल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। नाउ नॉन करंट लायबिलिटी मॉर्गेज लोन पहले डैश था, फिर अचानक से 2,70,000, तो ये एडजस्टमेंट अगर कुछ दिया है तो ठीक है, नहीं तो ये कहां पे आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लोन टेकन होगा पॉजिटिव। आपका लोन पहले जीरो था, फिर अचानक से 2,70,000, जादू है क्या, बढ़ गया, हमने लोन लिया होगा, अंडरस्टूड। करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, ये जो क्रेडिटर्स है वो ILDA इंक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज एसेट्स में जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, जो अपने स्टेप वाइज होता है वो। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके लिए मैंने बताया था नीचे, अगर पेड है तो प्रोवाइड आएगा, प्रोवाइड है तो पेड आएगा, और नथिंग इज गिवन तो ओपनिंग पेड क्लोजिंग प्रोवाइड, ये बाय डिफॉल्ट है, ये अज्यूम करना है ओपनिंग पेड क्लोजिंग प्रोवाइड होगा, अंडरस्टूड। आगे नॉन करंट एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, इसका नीचे एडजस्टमेंट होगा, नहीं होगा तो आप परचेस होल्ड या डेप्री अजम्पशन ले सकते हो। जैसे प्लांट एंड मशीनरी कम हो रहा है तो कुछ नहीं है, तो वी हैव टू अज्यूम डेप्री सोल्ड नहीं, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन कंपलसरी होता है, अंडरस्टूड। जैसे लैंड और इन्वेस्टमेंट में आप सोल्ड ले सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर व्हीकल, इसमें डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होता है। इन्वेस्टमेंट 50 और 60, तो इसमें तो परचेस सोल्ड होगा,
बट नीचे एडजस्टमेंट है तो उसके वाइज वर्कआउट करेंगे। करंट असेट्स में इन्वेंट्री, ये अपना चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आएगा। इन्वेंट्री मीन स्टॉक। डेटर्स चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आएगा। कैश एट बैंक, ये टैली में यूज होगा, जो लास्ट में हम लोग टैली लिखते हैं ना, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वहां पे यूज होगा। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 8,000 वे सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज 8,500, तो 500 हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट है। प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर मेड ड्यूरिंग द ईयर। अभी बच्चों एक होता है पेड, एक होता है प्रोवाइड। पेड के लिए ना पेड या सेटल वर्ड लिखा होना चाहिए, क्या वर्ड लिखा होना चाहिए, पेड और सेटल। बाकी सब प्रोवाइड के लिए, प्रोवाइड, डेबिटेड, मेड, क्रिएटेड, चार्ज, ये सब क्या मतलब होता है, प्रोवाइड। तो ये इनकम टैक्स प्रोवाइड दिया है 9,000, तो इसकी आपकी एंट्री होगी, प्रोवाइड की एंट्री होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। मेरे फॉर्मेट में देखो ये एंट्री है। जब आप लेजर बनाओगे तो पेड बैलेंसिंग फिगर आएगा। नाउ ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000, द प्रॉफिट वाज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब 10,000 की चीज हम लोग कितने में बेच रहे हैं, 12, तो इनडायरेक्टली 2,000 हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट हो रहा है। तो नॉर्मली पता है अगर आपको एसेट्स का WDV होना चाहिए, आज का वैल्यू होना चाहिए, तो ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 10 वाज सोल्ड 12, तो वी हैव टू अज्यूम दैट 10,000 कॉस्टिंग आज का वैल्यू है एंड सोल्ड कितने में कर रहे, 12,000, 2,000 क्या हो गया, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट वाज इंक्लूडेड इन पीएनएल। नाउ डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 44,080, तो इसकी भी एंट्री होगी डिविडेंड टू कैश बैंक। Now you are required to prepare cash flow statement in new format as per the accounting standard revised by indirect method. देखो ये indirect method लिख के दिया है, तो thank you बोल रहा है उसे, understood? As per new format wise आपको workout करना है, जो indirect method NPBT से चालू होता है and workout करते हैं वही है, ठीक है? तो पहले आपका step wise करोगे, तो पहले क्या था, prepare format, तो हम लोग पहले format prepare कर दें। चलो question अच्छा है, ध्यान देना बराबर से। क्वेश्चन वन थर्ड तो हो गया है, ऊपर क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, कामा लिमिटेड, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड March 2024। अभी दो अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट या रुपीज, तो मैं खाली लाइन नहीं बनाता हूं, इनर आउटर कॉलम रख देंगे, पर्टिकुलर्स रुपीज इनर आउटर कॉलम है, लाइन आपको एग्जाम में बनाना है, ऑब्वियस है। अभी पहले अपना स्टेप्स था प्रिपेयर फॉर्मेट, तो देखो 8-8 लाइन छोड़ के फॉर्मेट बना देना, आपको स्टेप वाइज करना है तो ही पूरा हो पाएगा, एक एक आप एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो इनडायरेक्ट मेथड में। तो फर्स्ट आपको फॉर्मेट में लिखना है कैश फ्लोस फ्रॉम, कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, परफेक्ट, ये चालू ही होता है आपका NPBT से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। फिर इसमें आता है एडजस्टमेंट फॉर, राइट, एडजस्टमेंट फॉर जो आपको एडलेस करना है, तो इसमें 8 लाइन छोड़ देना है, अगर आपको याद होगा तो 8 लाइन छोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, जो भी आएगा इसमें एडजस्ट हो जाएगा। फिर अपना होता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसके बाद भी 8 लाइन छोड़ दो, 8 लाइन, सब 8 लाइन छोड़ दो, आपका हो जाएगा, राइट, इनर आउटर करके लिखना है। अभी इसमें आपको याद रखना है प्लस ILDA क्या था, प्लस ILDA इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज एसेट्स प्लस होता है, और माइनस DLIA डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज एसेट्स माइनस होगा, राइट। 8 लाइन छोड़ने के बाद इनकम टैक्स पेड ये बाय डिफॉल्ट आपको फॉर्मेट में बना देना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं है, ये इनर और टोटल आउटर में चले जाएगा डायगनली बाहर, ठीक है।
चलो उसके बाद हमारी सेकेंड एक्टिविटीज होती है इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। सेकेंड एक्टिविटीज है कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स एसेट्स परचेस सोल्ड, इन्वेस्टमेंट परचेस सोल्ड, उससे रिलेटेड इनकम। पैसा आया तो पॉजिटिव सेल और सोल्ड परचेस करोगे तो नेगेटिव। इसमें भी 7, 8 लाइन छोड़ दो। और फिर थर्ड एक्टिविटीज कैश फ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद 7, 8 लाइन छोड़ने के बाद नेट स्पेस छोड़ के इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या तो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा या तो नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो इंक्रीज डाल देना वर्ड, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज डाल देना। अंडरस्टूड? ठीक है, उसके बाद ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें ऐड करना तो आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। अंडरस्टूड? इजी पीजी, राइट। ये हमारी एक्टिविटीज है, ये लाइन है, ये फॉर्मेट है। जो अपना फर्स्ट स्टेप था वो था क्या था? फर्स्ट स्टेप्स प्रिपेयर फॉर्मेट। अभी सेकेंड, ये जो एडजस्टमेंट है, कोई हिडन तो इसमें है नहीं। जो एडजस्टमेंट, इसकी रफली एंट्री पास कर दो, फिर लाइन वाइज स्टेप वाइज करते जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट हो गया फॉर्मेट, फिर क्या था? जर्नल एंट्रीज। तो रफली जर्नल एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, कुछ शॉर्ट हुआ तो उधर एडजस्ट करने होगा, राइट। अभी इसके बाद वो फेयर वर्क रखना है। इसके बाद जो भी करोगे सब रफ वर्क है, फास्ट रफली आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इन्वेस्टमेंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 8000, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 8500, तो 500 प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्रेडिट होता है, लॉस डेबिट होगा। तो एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट जो आ रहा है 8500 सेलिंग प्राइस टू इन्वेस्टमेंट, राइट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना है 8000, और टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एज ए पीएनएल क्रेडिट। इजी, राइट। बस ये थोड़ा जर्नल में आपको दिमाग लगाना है, अगर एक भी एंट्री रॉन्ग हो गई तो मिस हो जाएगा। फिर टैक्स प्रोवाइड है 9000, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स टू प्रोविजन फॉर टैक्स 9000, ठीक है। उसके आता ड्यूरिंग द प्लान कॉस्टिंग मिस बुक वैल्यू 10000, सोल्ड फॉर 12000 एट अ प्रॉफिट, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 12000 टू प्लांट एंड मशीनरी। एग्जाम में अगर हो सकता है आपको एंट्री नहीं लिखना है तो डायरी भी कर सकते हो, बट लेजर और सब बनाना ही पड़ेगा, राइट। टू प्लांट एंड मशीनरी टू पीएनएल, प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा, और ये सब कहा जाएगा एडजस्टमेंट फॉर्म में। ये हुआ फोर्थ एंट्री, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो डिविडेंड टू कैश बैंक। एंट्री क्या होगी? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कितना रुपीज है? 44080, 44080, ठीक है। डिविडेंड टू कैश बैंक, इजी। अभी मैं खाली पेंसिल से लिख रहा हूं कि कौन सा आइटम किधर जाएगा, आपको समझाने के लिए बराबर से ध्यान देना। जैसे इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके पैसा आ रहा है, ये पार्ट ऑफ आईए होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट देखो एडजस्टमेंट में और मेरे बैलेंस शीट में मैच हो रहा है, तो उसका एक वर्किंग नोट बनाना है आपको, फर्स्ट लेजर बनाना है। ये जो पीएनएल है वो आपका एडजस्टमेंट फॉर्म में जाएगा। एडजस्टमेंट फॉर्म में रूल क्या है? एक्सपेंस है तो पॉजिटिव, इनकम है तो नेगेटिव। इनकम टैक्स प्रोवाइड, तो ये पीएनएल में जाएगा, क्योंकि जो पीएनएल हम लोग बनाते हैं एनपीबीटी ढूंढने में, उसमें टैक्स प्रोवाइड पीएनएल में लिखना है। इनकम टैक्स देखो बैलेंस शीट में मैच हो रहा है, तो इसका सेकेंड लेजर होगा। मशीनरी सोल्ड करके पैसा आ रहा है, तो ये आई है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। प्लांट एंड मशीनरी थर्ड लेजर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैच हो रहा है, देखो प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में मैच हो रहा है। ये जो पीएनएल है वो एडजस्टमेंट फॉर्म में जाएगा, एनओआई है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है।
डिविडेंड। और डिविडेंड का लेजर नहीं है इसलिए ये पीएनएल में जाएगा, क्योंकि पीएनएल में हम लोग बनाते हैं एनपीबीटी ढूंढने में, इसमें डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड सब पीएनएल में आएगा। और टू कैश, तो ये एफ ए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन शॉर्ट हमें तीन लेजर यहाँ से बनाना है, और एक मेरी तरफ से फिक्स पीएनएल जो एनपीबीटी ढूंढने के लिए, तो आप पी फॉर्मेट में एग्जाम में बना सकते हो, अंडरस्टूड। और ये लेजर मिनिमम कितने लाइन का होना चाहिए, 6 या 8 लाइन का चलेगा। अब एग्जाम में देखो ऐसे रफली ये टी पैटर्न ऐसे बना सकते हो, और एक टैली बॉक्स बनाते जाना बस, ठीक है। ये लेजर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 6 या 8 लाइन का बना दो चलेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, फिर कौन सा था, प्लांट एंड मशीनरी। पीएनएल सबसे लास्ट रखना है आपको, राइट, पीएनएल लास्ट बेटर। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और लास्ट में पीएनएल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इजी। तो ये अपना पार्ट ऑफ स्टेप सी था, फर्स्ट क्या था फॉर्मेट, देन रफली जर्नल एंट्री, देन लेजर, राइट। अभी ये जो बैलेंस शीट है ना उसका पोस्टिंग, तो आपको क्वेश्चन रखना और मैं पोस्टिंग करते जाता हूँ, बराबर से समझना, ठीक है। पोस्टिंग स्टार्ट करें, जैसे शेयर कैपिटल सेम है, अगर इंक्रीज डिक्रीज होता तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कुछ मूवमेंट होता, अभी नहीं है तो सेम ही है, तो कुछ नहीं, नो इफेक्ट। नाउ जर्नल रिजल्ट 3 लाख से 3.10 हुआ है, तो ये पीएनएल अकाउंट डेबिट में आएगा, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो पीएनएल में टू जर्नल रिजर्व कितना रुपीज है, 10,000 डिफरेंस। अब ये पोस्टिंग के टाइम पे संभालना, कभी कभी ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं, कभी कभी किसी किसी का डिफरेंस होता है, तो गड़बड़ नहीं करना। सम होप्स आपके पास होगा, मैं वैसे ही पोस्टिंग करते जाता हूँ, ये बैलेंस शीट वापस नहीं दिखाऊंगा। पीएनएल का ओपनिंग क्लोजिंग 56 एंड 38। तो पीएनएल लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, तो ये यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पीएनएल में ओपनिंग 56,000 और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी 68,000, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आइटम दिया था नॉन करंट लायबिलिटी मॉर्गेज लोन, 0 से 270 हो रहा है, तभी इसका कोई लेजर नहीं है, तो अपने ओन से आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखना है पॉजिटिव, लोन टेकन, हमने ये लोन लिया होगा, ठीक है। तो मॉर्गेज लोन टेकन ये इनर में लिखो, फिर टोटल फाइनली बाहर ले लेंगे 2,70,000। होप सो आपका लाइन होगा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स। नाउ क्रेडिटर्स आईएलडीए का आइटम है, वो ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आएगा। क्रेडिटर्स 168 से आपका 134 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो डिक्रीज लायबिलिटी आप देखो माइनस फॉर्मेट में है, अंडरस्टूड, दिख रहा है। तभी ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ऊपर लिखो नेगेटिव नीचे, कुछ भी चलेगा, खाली ब्रैकेट डाल देना। आपका लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे लिखो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, आपको क्या लिखना है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, और ये सब इनर में फिर एंड में बाहर चले जाएगा 34,000 ब्रैकेट। सी आईएलडीए इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज एसेट्स प्लस है, डीएलआईए डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज एसेट्स माइनस है, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्स, नॉर्मली बच्चों जो प्रोविजन फॉर टैक्स है नॉर्मल कोर्स में वो करंट लायबिलिटी है, बट ये चैप्टर में मैंने बोला था 6 आइटम को करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी नहीं लेना है, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए अलग से ट्रीटमेंट है, उसका लेजर है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट, इसे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका ओपनिंग क्रेडिट में आएगा, कितना है 75,000,
or to balance CD. कितना रुपीज है? 10,000. इजी. थोड़ा ये डाइजेस्ट हुआ. अभी एसेट साइड का पोर्शन, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, डेबिट है और उसका अकाउंट है. तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डेबिट में आएगा क्योंकि एसेट्स है, एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है. 4 लाख एंड 3,20,000 बाय बैलेंस सीडी 3,20,000. इसके बाद है इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट का भी लेजर है. अगर कुछ नहीं होता तो आपको दिमाग लगाना है परचेस या सोल्ड. इन्वेस्टमेंट में डेप्री तो होता नहीं है. नाउ एसेट से डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 50,000 और बाय बैलेंस सीडी 60,000. इजी. ये हुआ. उसके बाद देखो इन्वेंट्री है. इन्वेंट्री और डेटर्स आईएलडीए में जाएगा. लाइक 2,40,000 से 2,10,000 हो रहा है. अंडरस्टूड? तो कम हो रहा है 30. तो डिक्रीज कहां पे? फॉर्मेट अपना डिक्रीज एसेट्स. हाँ, डिक्रीज एसेट्स प्लस में है. तो 30,000 क्या हो जाएगा? प्लस. ठीक है, चलो लिखे डिक्रीज इन्वेंट्री. डिक्रीज इन स्टॉक या इन्वेंट्री लिख सकते हो. 30,000 पॉजिटिव. इजी. नेक्स्ट है डेटर्स. डेटर्स 210 से 455 हो रहा है. तो इंक्रीज हो रहा है 245 से. तो इंक्रीज नेगेटिव आएगा. इंक्रीज इन डेटर्स 245,000 नेगेटिव. अंडरस्टूड? ठीक है, ये हो गया आपका. देखो डेटर्स कैश टैली में यूज होगा. 149 और 197, सॉरी. देखो ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है यहाँ पे यूज होगा आउटर में. ये आउटर में जाएगा 149 और क्लोजिंग कितना है? 197. अब आप यहां से ही क्रैक कर सकते हो. इनके डिक्रीज 197 माइनस 149, तो आपको रिवर्स 48 आएगा तुम्हारा पॉजिटिव. अंडरस्टूड? तीनों का आंसर, क्योंकि 48 प्लस 149 गिव्स यू 197. तो ये हो गया पोस्टिंग. अभी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग, जो हमने ऊपर ये जर्नल एंट्री लिखा है ना रफली, ये सब की पोस्टिंग. जैसे क्या इन्वेस्टमेंट सोल्ड, पैसा आ रहा है तो कैश अंदर आ रहा है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखो इन्वेस्टमेंट सोल्ड. सब लाइन वाइज करते जाओ, आपका हो जाएगा टैली. इन्वेस्टमेंट सोल्ड और कैश के सामने जो अमाउंट है वो आएगा 8,500. परफेक्ट. इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट साइड बाय कैश बैक, और जो इन्वेस्टमेंट के सामने अमाउंट है वो आएगा 8,000. जो प्रॉफिट है वो एनओआई है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम. तो एडजस्टमेंट फॉर में आएगा. इधर ऊपर देखो इसका प्लेस है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम कितना प्रॉफिट है? 500 ब्रैकेट. यहाँ का रूल है एक्सपेंस है तो पॉजिटिव, इनकम है तो नेगेटिव. अभी आपके दिमाग में सर पीएनएल में क्यों नहीं? तो पीएनएल में खाली चार ही आइटम आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व और इंटरिम डिविडेंड. वो बनाते हम लोग एनपीबीटी ढूंढने के लिए. चलो इसका पोस्टिंग हो गया. सब जर्नलिटी की पोस्टिंग करनी है. नेक्स्ट है पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स. तो ये पीएनएल अकाउंट में आएगा और प्रोविजन फॉर टैक्स में आएगा क्योंकि ये प्रोवाइड है. इधर टू प्रोविजन फॉर टैक्स कितना प्रोवाइड है? 9,000 पीएनएल अकाउंट डेबिट में और प्रोविजन में बाय पीएनएल प्रोविजन फॉर टैक्स में 9. ये टैली करेंगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा पेड वाला, बाद में ढूंढेंगे स्टेप वाइज आराम से. नेक्स्ट एंट्री देखो आपका मशीनरी सोल्ड. तो पैसा अंदर आ रहा है 12,000, राइट. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखो मशीनरी सोल्ड
जो कैश के सामने अमाउंट है वो पॉजिटिव इनर में लिख दो 12,000, और टू प्लांट एंड मशीनरी, तो टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में लिखो बाय कैश बैंक अमाउंट 10,000, और जो प्रॉफिट है वो ऊपर एडजस्टमेंट फॉर्म है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एडजस्टमेंट फॉर्म है, लिखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, अगेन प्रॉफिट है ब्रैकेट 2,000, हुआ ये एंट्री का पोस्टिंग हो गया। नाउ डिविडेंड टू कैश, तो डिविडेंड पीएनएल अकाउंट डेबिट में आएगा, पीएनएल में कभी भी आप कैश नहीं लिखते हो, तो आपको रीजन लिखना है टू डिविडेंड, कितना डिविडेंड है 44080, हुआ ये डिविडेंड, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 44080, अंडरस्टूड। चलो सब पोस्टिंग हो गया, अभी क्लोज आउटसाइड लेजर, आपको बाहर के लेजर टैली करने हैं और बैलेंस निकालना है। जैसे रेड से लिखता हूँ, यहाँ पे आ रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट परचेज काउंट होगा, अंडरस्टूड, ये जो बैलेंस आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट परचेज होगा आपका 68, ये वाला है भी है 68, यहाँ पे 18,000 बैलेंसिंग आ रहा है, तो ये टू कैश बैक, तो 18 का लॉजिक है आपने इन्वेस्टमेंट और बाय किया होगा, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखना है, क्लोज करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखना है इन्वेस्टमेंट परचेज, स्टेटमेंट इधर कुछ भी लिखो नो इश्यूज, इन्वेस्टमेंट परचेज कितना रुपीज था 18,000 ब्रैकेट, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, टैक्स, यहाँ पे भी टू कैश बैंक, टैक्स पेड आएगा 75 + 9 = 84, ये सारी चीजें मैंने फॉर्मेट में लिख के दिया है मेरी, तो ये कितना आएगा 74, ये टैक्स पेड, इसका सेकेंड इफेक्ट लिख दो नहीं तो टैली नहीं होगा, ये दिख रहा है टैक्स पेड यहाँ पे 74,000 ब्रैकेट, फिर डायगनली बाहर आएगा वो, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट लेजर देखो, देखो हर एक लेजर में कुछ ना कुछ आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, अभी प्लांट एंड मशीनरी में मजा देखो, ये बाजू बैलेंस आ रहा है, अंडरस्टूड, तो अभी आपको ये रूल पता होना चाहिए, पहले बैलेंस कितना है 4,00,-3,20,-10,000, 70,000 आ रहा है बराबर, प्लांट एंड मशीनरी ओपन करना, हाँ 70 बराबर, अभी आपको पता होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में क्रेडिट में और डेबिट में क्या आता है, तो मैंने फॉर्मेट में था, डेबिट में अगर आता है ना यहाँ पे तो परचेज होता है, क्रेडिट में दो ऑप्शन होता है, एक सोल्ड और एक डेप्रिशिएशन, दो चीज होती है सोल्ड और डेप्री, तो क्रेडिट में अगर सोल्ड दिया है तो डेप्री है ना, डेप्री है तो सोल्ड आएगा, जैसे 10,000 सोल्ड दिया हुआ है तो आपका डेप्री आएगा वहां पे बैलेंसिंग फिगर, अंडरस्टूड राइट, और अगर डेबिट में है तो परचेज ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे डेप्रिशिएशन मिसिंग था ऐसे भी मशीनरी में, और डेप्रिशिएशन होता ही है, तो बाय डेप्रिशिएशन बैलेंसिंग अमाउंट ढूंढना है हमें, कितना रुपीज है 70,000, अंडरस्टूड। अगर सोल डेप्री दिया होता तो सोल आता, सोल दिया है इसे डेप्रिशिएशन है, और कुछ नहीं है तो प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिशिएशन कंपलसरी है। नाउ ये डेप्रिशिएशन ऊपर एडजस्टमेंट फॉर्म में जाएगा राइट, इधर डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अभी ये जो 70,000 एक्सपेंस है इसलिए पॉजिटिव, इसका रूल है एक्सपेंस है तो पॉजिटिव, ठीक है। चलो अभी ये लास्ट में, ये पीएनएल लास्ट में टैली करना है, और पीएनएल में यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, ये तुम्हारा होगा बाय एनपीबीटी, इसे लेके ओरिजिनल फॉर्मेट टैली करना है, तो तुम्हारा कैश फ्लो मस्ट बी शुड बी टैली, वो टैली होना चाहिए, ठीक है। तो 10,000 + 9 + 44080 + 68 = 131
माइनस 56, राइट, कितना आ रहा है 75080। चलो ये लेके एकदम स्टार्टिंग में जाना है, एनपीबीटी जो जगह थी 75080। अभी उसमें माइनस 500 माइनस 2000 प्लस 70,000 तो हमारा आता है 142,580। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या है ये? ऑपरेटिंग, एग्जाम में दो लाइन ले लो, पूरा लिखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये सब हेडिंग के ही मार्क्स है। इसमें ये चीज से प्लस माइनस करना है, माइनस 34 आईएलडीए वाले चीज, प्लस 30 माइनस 245, तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव 106,420। यहाँ पे इसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये नेगेटिव है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। उसमें से 74 माइनस करो तो नेगेटिव होगा, ये हमारा डायगनली बाहर आएगा 1,80,420 नेगेटिव, पर ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टैली हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो ये एक हो गया, अभी इसे एक बार ले लेना है, ये सेकेंड है, प्लस और माइनस, तो नेगेटिव 6,000, अंडरस्टूड? इसमें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा है मैंने? अच्छा, ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गलती से बच्चों यहाँ पे लिख दिया था, ऊपर है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड 8,500, तो 12,000 प्लस 8,500 माइनस 18,000, सॉरी 2,500, वो पहले फाइनेंस में लिख दिया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, ये जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड है ना यहाँ पे कैश, वो वाला, ये ऊपर नीचे करते हैं ना उसमें गड़बड़ होता है। अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें तो दो ही आइटम है, इसे डायगनली बाहर ले लो, सेकेंड 2,70,000 पॉजिटिव माइनस 44,080 नेगेटिव, कितना रुपीज है? 2,25,920 पॉजिटिव, ये थर्ड है, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव प्लस 2,500, सेकेंड पॉजिटिव, और फर्स्ट नेगेटिव माइनस 180,420, तो फाइनल आंसर है 48,000 पॉजिटिव, ये 48,000 पॉजिटिव, जिसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इंक्रीज, क्या बोलेंगे? इंक्रीज, प्लस 149 तो बराबर 197 होता है, तो ये पॉजिटिव है, ऐसे ऐसे बोलते हैं नेट इंक्रीजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अंडरस्टूड? ये आपका एग्जाम है बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड, राइट, थोड़ा हैवी होता है, ज़्यादा होता है, आपको स्पीड में करना होता है, जैसे अभी मेरे यहाँ से गड़बड़ हुआ था वैसा आपका भी हो सकता है, कुछ एक्टिविटीज़ में गड़बड़ हो जाए, या पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है कैश फ्लो टैली नहीं हुआ है, बट टैली होना चाहिए, अगर सारे एडजस्टमेंट आपको आता है तो कैश फ्लो टैली होता ही होता है, अंडरस्टूड? ठीक है, चलो ये अच्छे से समझ में आया, और ऐसे सम से आगे बढ़ते हैं। देखो सेकेंड सम, इसमें हिडन एडजस्टमेंट बहुत अच्छे है, एक दो हिडन एडजस्टमेंट बहुत प्यारे है, उसके वाइज आपको करना है, वो हिडन एडजस्टमेंट वाइज क्रैक करोगे तो बहुत ही स्वीट है। चलो पढ़ता हूँ, ध्यान दो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS 3 रिवाइज। इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले 3,00,000 से 3,50,000 हो रहा है, कुछ नहीं दिया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव इश्यूड, 18% फुटप्रिंट शेयर, शायद एडजस्टमेंट है, नहीं है, कम हो रहा है तो रिडीम, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेगेटिव, 14% डिबेंचर, पहले देखो 1,00,000 से 2,00,000 हो रहा है, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है। उसके बाद आपका हिडन एडजस्टमेंट है 1,00,000 पे, ओपनिंग पे ऑलवेज 14%, ओपनिंग पे इंटू 14%, 14,000,
14,000 इंटरेस्ट ओपनिंग पे कंसीडर करना है, अंडरस्टूड? तो ये अपने ओन से ओपनिंग पे, क्योंकि इशू वी हैव टू अज्यूम लास्ट दिन पे किया होगा। अगर कोई और डेट है तो मेंशन करेंगे, नहीं तो ओपनिंग पे आपको इंटरेस्ट देना है, अपने ओन से हिडन डालना है, ठीक है? या तो आप डायरेक्ट एडजस्टमेंट भी डाल सकते हो, डिबेंचर इंटरेस्ट एडजस्टमेंट फॉर्म में और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव। रिजर्व एंड सरप्लस, अभी बच्चों इसमें कुछ ओपनिंग क्लोजिंग दिया नहीं है पीएनएल, तो ये आपको कंसिडर क्या कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग क्लोजिंग, राइट? तो ये तुम्हारा पार्ट ऑफ पीएनएल है, लिख दूं मैं यहाँ पे। अभी पीएनएल अलग से दिया होना चाहिए, तो वी हैव टू कंसिडर रिजर्व। ये पीएनएल का बहुत सारे नाम है, रिटेन अर्निंग, राइट, सरप्लस, पीएनएल, या नहीं है तो रिजर्व एंड सरप्लस को पीएनएल कंसिडर करना है। क्रेडिटर्स, यस, आईएलडीए में यूज होगा। अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, नॉर्मली बच्चों ये डेटा से माइनस होता है, बट इसको बेस्ट आईएलडीए में ले लो तो आपका काम हो जाएगा। फिक्स असेट्स, नेट, नेट का मतलब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके है, तो ये डब्ल्यूडीवी है, 5, 10 से 6, 20 इसका एडजस्टमेंट होगा, ठीक है? अभी नेक्स्ट देखो, डिबेंचर इंटरेस्ट, ये इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जरा हाईलाइट कर दू ये 10%। अभी अगेन 30 से इन्वेस्टमेंट 50 हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपने और इन्वेस्ट किया होगा, तो इन्वेस्टमेंट परचेस। बट अभी ये जो इंटरेस्ट है वो किस पे, ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे? कुछ नहीं दिया है तो ऑलवेज ओपनिंग, परचेस का डेट नहीं है, तो 30,000 पे 10% इंटरेस्ट अपने ओन से आएगा, तो ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक एडजस्टमेंट फॉर्म में आएगा। कैश टैली में यूज होगा। ये डेटस और स्टॉक, ये आईएलडीए में आएगा। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये फिक्टिशियस एसेट्स है, 10,000 से कम हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ, तो ये जाएगा एडजस्टमेंट फॉर्म में। नाउ अ मशीनरी विद द बुक वैल्यू 40,000 वाज सोल्ड फॉर 25,000, तो 40 माइनस 25, 15,000 का लॉस है जो एडजस्टमेंट फॉर्म में आएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 70, लास्ट समय पता है ढूंढा था हमने, यहाँ पे दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो इसमें सोल्ड भी दिया है और डेप्री भी दिया है, तो इसमें इन शॉर्ट क्या आएगा, आपका परचेज आएगा, बैलेंसिंग फिगर। नाउ प्रेफरेंशियल रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, दैट प्रीमियम हमारे लिए लॉस है, तो ये पीएनएल में डाल दोगे, और प्रेफरेंशियल रिडीम कर रहे हैं 2 लाख का 1 लाख, तो 1 लाख पे प्रीमियम भी दे रहे हैं, 1 लाख इंटू 5%, 5,000 प्रीमियम भी आएगा जो राइट ऑफ होगा और पीएनएल में जाएगा। इंटरिम डिविडेंड 15% वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च, प्रेफरेंस डिविडेंड आल्सो पेड ऑन 31 मार्च। तो अभी आपको देखो ईयर एंडिंग में आपको डिविडेंड भी देना है, तो पहले इंटरिम डिविडेंड, ये नया एडजस्टमेंट है, ये हमारी जेकेसी के बुक में कवरअप नहीं है, बट नॉर्मल डिविडेंड पेड होता था, तो डिविडेंड टू कैश, यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड पे करने बोला है, तो अपने ओन से एंट्री होगी। इंटरिम डिविडेंड 15% इक्विटी शेयर्स, तो अभी आपका देखो ओपनिंग क्लोजिंग, तो 15% ओपनिंग पे 3 लाख पे इंटू 15% 45,000 इंटरिम डिविडेंड होगा, हमें अज्यूम करना है कि इशू लास्ट डेट पे है। प्रेफरेंशियल रिडीम का डेट दिया है देखो यहाँ पे 31 मार्च, तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड जो पे करना है ओपनिंग पे अगेन 18% प्रेफरेंस शेयर्स है, तो ओपनिंग 2 लाख पे इंटू 18% 36,000 प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करना है। ये सब रूल बराबर से याद रखना, ओपनिंग पे देना है आपको कुछ नहीं है तो, और इधर तो प्रेफरेंस शेयर्स बोला है रिडीम लास्ट दिन पे हो रहा है, अंडरस्टूड? अगर आपका बिगनिंग पे ही हो जाता तो 1 लाख पे ही आप डिविडेंड देते थे, बिकॉज 1 लाख स्टार्टिंग में ही चले गया था। न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर इशूड ऑन 31 मार्च, तो ये लिख के दिया है कि खाली लास्ट दिन पे हुआ है ये, तो फेयर है, डिबेंचर इंटरेस्ट भी ओपनिंग पे, इंटरिम डिविडेंड भी ओपनिंग पे ही हो रहा है क्योंकि लास्ट दिन पे है। चलो ये थोड़ा एडजस्टमेंट समझ में आया, एडजस्टमेंट थोड़े अच्छे आई कैन से, ठीक है? चलो स्टेप वाइज करते हैं, बराबर से ध्यान दो। यस बच्चों, तो स्टार्ट करें स्टेप वाइज। पहला अपना स्टेप्स क्या है, पहले अपना स्टेप वाइज कैसे स्टार्ट करेंगे, प्रिपेयर फॉर्मेट, ठीक है? तो रफली फॉर्मेट में बनाऊं, थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, सेकेंड,
पेज पे जाता हूँ, क्वेश्चन टू इन द बुक्स ऑफ, ये वो सब बट ऑब्वियस लिखना ही है, मैं अभी वो नहीं लिखता हूँ, ठीक है। रुपीज रुपीज कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, वो सब तो बाय डिफॉल्ट है जो हमें लिखना ही होता है। तो फर्स्ट कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चलो ये स्टार्टिंग कहां से होगा, एनपीबीटी से, फिर क्या होगा एडजस्टमेंट फॉर, ठीक है फ्यू लाइन छोड़ देता हूं अंदाजे से, बट इसमें तुम लोग आठ छोड़ना, अगर साथ में कर रहे हो तो एट लाइन छोड़ना क्योंकि बड़ा साम है, ज्यादा आइटम आएगा। फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसमें ILDA होगा, तो प्लस ILDA माइनस DLIA, ठीक है। चलो ये थोड़ा ठीक है, इधर इनकम टैक्स पेड, इस समय टैक्स नहीं था ना, सम हम लोग ने डिस्कस किया टैक्स नहीं है, राइट तो अगर टैक्स है तो ठीक है, नहीं है तो अब फॉर्मेट में लिख दो डैश करके छोड़ देना। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी होता है, वो तो सब है ही नहीं। फिर सेकेंड कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर सात आठ लाइन छोड़ दो, फिर कैश फ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें भी सात आठ लाइन छोड़ना है, इसमें भी ज्यादा आइटम है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी, फिर नेट या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हमारा आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है हो गया फॉर्मेट। आपको 7 7 8 लाइन छोड़ना है, मेरे पास ज्यादा मेस होता है इसलिए मैंने ज्यादा लाइन रख दिया है, ठीक है। चलो पहले रफली एंट्री स्टार्ट करें, पहले तो इसमें हिडन एडजस्टमेंट है वो संभालना, डिबेंचर इंटरेस्ट वाला हिडन है, बाकी इंटरिम वो डिबेंचर इंटरेस्ट और इनकम वाला हिडन है, बाकी वो जो इंटरिम डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड तो लिखा है, आपको नॉर्मली डिविडेंड नहीं मेंशन है तो वो हिडन नहीं है, वो नहीं करना है, डिबेंचर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना है, डिबेंचर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है, इन्वेस्ट किया है तो उसमें हिडन आएगा ही आएगा, बट प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड वो अगर मेंशन है तो ही होगा, अंडरस्टूड। तो रफली एंट्री स्टार्ट करें, चलो जर्नल एंट्री, पहले हिडन एडजस्टमेंट डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ओपनिंग पे 1 लाख पे 14%, 1 लाख पे इंटू 14% 14,000, फिर हमने जो इन्वेस्ट किया उस पे इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा वो भी हिडन है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ओपनिंग पे 1 लाख पे 10%, ओपनिंग पे 10%, 10,000, 10% सब में ही दिया हुआ है, हाँ बच्चों क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 10,000, राइट ये ओपनिंग 1 लाख नहीं है, सॉरी ओपनिंग कितना है 30,000 है, फिगर नहीं है, 30,000 पे 10%, 3,000 जो भी ओपनिंग अमाउंट है उस पे करना है, ये 10,000 डिबेंचर 1 लाख था, ये 30,000 है ओपनिंग, हो गया ये हिडन। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट, अभी अपना नॉर्मल एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं।
मशीनरी बुक वैल्यू 40 वाज सोल्ड फॉर 25, तो लॉस हो रहा है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपीज है, 25,000। पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना रुपीज है, 15,000। टू फिक्स एसेट्स सम में दिया है, देखो आपके सम में फिक्स एसेट्स है और यहाँ पे मशीनरी लिखा है, तो मशीनरी ब्रैकेट में फिक्स एसेट्स लिखता हूँ क्योंकि उसका लेजर बनेगा, फिक्स एसेट्स के लेजर में आपको इसको पोस्ट कर देना होगा। अंडरस्टूड। टू मशीनरी और ब्रैकेट फिक्स एसेट्स 40,000। नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स कितना है, 70,000। 70,000। चलो, प्रेफरेंस शेयर्स वे रिडीम 31 मार्च एट अ प्रीमियम, तो प्रीमियम पीएनएल में डाल देना क्योंकि अलग से कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, तो पैसा बाहर जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स अंदर आ रहे, तो आपको रिडम्पशन वाला एंट्री नहीं करना है, कि शॉर्टकट एंट्री 18% प्रेफरेंस शेयर, 18 है ना, 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट पीएससी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैश बैंक। अभी रिडीम कितना हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख से 1 लाख हो रहा है, तो ये 1 लाख, उस पर 5% प्रीमियम 5,000 और टू कैश 1,05,000। अंडरस्टूड। नाउ फोर्थ में दो एंट्री होगी, एक इंटरिम डिविडेंड इक्विटी को पे कर रहे और एक प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, प्रेफरेंस डिविडेंड टू कैश, और फिर आपको पोस्टिंग में कहां गड़बड़ नहीं हो जाए आपसे, तो इंटरिम डिविडेंड टू कैश इक्विटी पे 3 लाख पे, ओपनिंग पे 3 लाख पे इनटू 15%, क्योंकि जो नया इश्यू है लास्ट दिन पे उस पर तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, 45,000। फिर प्रेफरेंस को भी डिविडेंड पे करना है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक ओपनिंग पे होगा, ओपनिंग पे प्रेफरेंस शेयर्स के ओपनिंग पे 2 लाख पे इनटू 18%, अमाउंट देख लेने दो एक बार, 2 लाख इनटू 18%, अगर मैंने कोई गलत अमाउंट ले लिया तो पूरा सम उस रॉन्ग अमाउंट से हो जाएगा, टैली हो जाएगा बट अलग अमाउंट से होगा, 36,000। ठीक है, अभी जो लास्ट एडजस्टमेंट था जस्ट इन्फो है कि न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर वे इशूड एंड 31 मार्च, तो उसका कुछ नहीं करना है, फेयर। ठीक है, अभी कौन सा आइटम किधर जाएगा और किसका लेजर होगा, और रफली मैं लिखता हूं, समझ से जाना। डिबेंचर इंटरेस्ट, ये अपना एडजस्टमेंट फॉर टू कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आईए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ये एडजस्टमेंट फॉर मशीनरी सोल्ड करके पैसा आ रहा है आईए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसका जो लॉस है वो एडजस्टमेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स फर्स्ट लेजर, क्योंकि वो बैलेंस शीट में है, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट फॉर और फिक्स एसेट्स का हो गया लेजर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सेकेंड लेजर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये एडजस्टमेंट फॉर में जाएगा, टू कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा दे रहे, इंटरिम डिविडेंड ये तुम्हारा पीएनएल में आएगा, प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड ये सब पीएनएल में आएगा, और टू कैश राइट एफए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के शेयर होल्डर्स को पे कर रहे, तो कितने लेजर है, ओनली 3 लेजर, मशीनरी प्रेफरेंस शेयर्स और एक मेरी तरफ से पीएनएल, तो बनाओ छोटे से रफली लेजर, एग्जाम में भी आपको टी स्टाइल में बना सकते हो, मैंने बोला है आपको। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट 18% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट
हुआ, उसके बाद लास्ट में पीएनएल, ये लास्ट में रख देने का। ये एनपीबीटी ढूंढने के लिए होता है। परफेक्ट, तो अपना स्टेप वाइज फर्स्ट फॉर्म है, देन एडजस्टमेंट, देन लेजर, तो ये भी हो गया। अभी बैलेंस शीट पोस्टिंग, तो जो ये आपका बैलेंस शीट है ना, वो आइटम फर्स्ट आइटम से पोस्टिंग चालू करते हैं, राइट। तो यहां से देखते जाना, मैं पोस्टिंग करते जाता हूँ, बराबर से ध्यान देना। स्टार्ट करें, यस, इक्विटी शेयर 3 लाख से 3 लाख 50, तो ये आएगा, कुछ दिया नहीं है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इशूड, जरा देखना मैं कहाँ लिखता हूँ, बट मैं बोलते टाइम फाइनेंसिंग बोल रहा हूँ, वहां लिखना बराबर से, क्योंकि ये जब ऐसा ऊपर नीचे करता हूँ तो आगे पीछे हो रहा है। नाउ इक्विटी शेयर इशूड, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप कुछ भी बना सकते हो, लाइक शेयर इशूड या इशू ऑफ इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयर इशूड, कुछ भी चलेगा। इक्विटी शेयर इशूड, ब्लैक से लिखता हूँ सर, इक्विटी शेयर इशूड 50,000 इनर कॉलम में, 18% प्रिफरेंस शेयर, तो उसका लेजर है, उसका लेजर है। प्रिफरेंशियल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग कितना है 2 लाख और क्लोजिंग यहाँ पे टू बैलेंस सीडी 1 लाख, परफेक्ट। 14% डिबेंचर, नेक्स्ट आइटम देखो, 14% डिबेंचर 1 लाख से 2 लाख हो रहा है, तो ये क्या करा हमने, इश्यू, राइट। तो फाइनेंस, इसका लेजर नहीं है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में राइट आएगा 14% डिबेंचर इश्यूड, 14% डिबेंचर इश्यूड कितना आ रहा है 1 लाख, पॉजिटिव पैसा अंदर आ रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस, ये पीएनएल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, राइट, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग कितना है रिजर्व 1 लाख 10, और क्लोजिंग यहां पे टू बैलेंस सीडी 2 लाख 70,000। नाउ क्रेडिटर्स, और वो सब आईएलडीए में डाल सकते हो आप, वो तो आईएलडीए ही है, राइट। क्रेडिटर्स आप देखो 70 से 145 इंक्रीज हो रहा है, तो 75 से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 75, इंक्रीज लाइबिलिटी पॉजिटिव है, देखो प्लस में आईएलडीए है। नाउ आरडीडी को भी लाइबिलिटी रख लो, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन आरडीडी, या आप डेटा से माइनस करके नेट का भी इफेक्ट कर सकते हो, तो ये 5000 पॉजिटिव, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो एसेट साइड पे देखो, एसेट साइड पे फिक्स एसेट्स, उसका अकाउंट है फिक्स एसेट्स, एसेट से डेबिट आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 लाख 10,000, फिर बाय बैलेंस सीडी 6 लाख 20,000। नेक्स्ट आइटम देखो, इन्वेस्टमेंट है, उसमें हिडन है वो ठीक है, बट 30 से कितना हो रहा है 80, तो ये कहां पे डालेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 50 परचेज, एनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होता है ना बच्चों, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट परचेज 50,000 ब्रैकेट। नेक्स्ट आइटम हिडन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मैंने किया एंट्री, वहां से एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, कैश, वो टैली यूज होगा, देखो ओपनिंग क्लोजिंग कैश कितना है, ओपनिंग 40 एंड 75, ओपनिंग 40 और क्लोजिंग 75, तो उल्टा अपना आ जाएगा वहां पे। डेटा स्टॉक आईएलडीए में आएगा, उधर कर सकते हो प्लस माइनस, डेटर्स 1 लाख से 210 हो रहा है, तो कितने से इंक्रीज हो रहा है 110 से, तो इंक्रीज इन डेटर्स ये भी पॉजिटिव है, कितना रुपीज है 1 लाख 10,000 पॉजिटिव,
स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, ये नेगेटिव है, डिक्रीज इन स्टॉक कितने से डिक्रीज हो रहा है, 10,000 ब्रैकेट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कम हो रहा है, इसे बोलते हैं रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर्म में डिस्काउंट ऑन डिबेंचर राइट ऑफ, इनर कॉलम में एक्सपेंस है इसमें पॉजिटिव 5,000, अंडरस्टूड राइट। अभी ये हो गया बैलेंस शीट पोस्टिंग, अभी ये जो एडजस्टमेंट है उसका, तो जो जर्नल एंट्री किया है उसका पोस्टिंग करना है, जो जर्नल एंट्री हमारे पास है ये वाले उसका पोस्टिंग होगा। पहले हिडन भी आ जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट टू कैश बैंक 14, तो डिबेंचर इंटरेस्ट आपका एडजस्टमेंट फॉर्म में आएगा, यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसे 14 पॉजिटिव, टू कैश तो पैसा बाहर जा रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ब्रैकेट। अभी आधे बच्चे बोलते सर उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, उधर इफेक्ट नलीफाई, तो अकाउंट्स में वो परफेक्ट है, सब चीज नलीफाई होता है डेबिट क्रेडिट, बट आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का राइट आंसर, इन्वेस्टिंग का राइट आंसर, फाइनेंसिंग का राइट आंसर चाहिए, तो ऑब्वियसली वो प्लस माइनस तो होगा ही, इफेक्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो IMA पॉजिटिव पैसा आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, चलो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव पैसा आ रहा है 3,000, और एडजस्टमेंट फॉर में नेगेटिव आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है उल्टा जा रहा है, तो 3,000 ब्रैकेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो उसके बाद एडजस्टमेंट में क्या है, प्लांट एंड मशीन सोल्ड एट अ लॉस, जो पैसा आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 25, तो मशीनरी सोल्ड या फिक्स एसेट सोल्ड कितने में सोल्ड हो रहा है 25 पॉजिटिव पैसा अंदर आ रहा है, लॉस एडजस्टमेंट फॉर में पॉजिटिव, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना रुपीज है 15,000 पॉजिटिव एक्सपेंस है, तो मशीनरी में फिक्स एसेट्स में बाय कैश बैंक और बाय PNL दोनों बाय बाय हो जाएगा फिक्स एसेट्स के लेजर में 25 and 15। देखो ये लेजर में बाय कैश बैंक सेलिंग प्राइस कितना था 25 और बाय PNL कितना रुपीज है 15,000 परफेक्ट। चलो उसके बाद था डेप्रिसिएशन चार्ज, तो डेप्री टू फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स में बाय डेप्री राइट, जो जर्नल एंट्री है उसका पोस्टिंग यहाँ पे आएगा 70,000, और डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट फॉर में, तो एडजस्टमेंट फॉर में ऊपर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, बड़ा सम है सब बच्चों राइट, 70,000 एक्सपेंस है पॉजिटिव परफेक्ट। नेक्स्ट एंट्री देखो, प्रिफरेंशियल्स रिडीम कर रहे थे वो, 18% प्रिफरेंशियल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू बैंक, तो 18% प्रिफरेंशियल्स में टू कैश बैंक कितना रिडीम कर रहे थे 1,00,000 प्रिफरेंशियल के सामने वाला अमाउंट, उस पे जो 5% प्रीमियम है वो एक्सपेंस है एडजस्टमेंट फॉर में, एडजस्टमेंट फॉर में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंशियल एक्सपेंस है इसलिए पॉजिटिव, और 1,05,000 पे कर रहे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव, 18% प्रिफरेंशियल रिडीम एट अ प्रीमियम, प्रिफरेंशियल रिडीम एट अ प्रीमियम 1,05,000 पैसा बाहर जा रहा है नेगेटिव। अब अलग अलग भी लिख सकते हो, प्रिफरेंशियल कैपिटल 1,00,000 एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 चलेगा। नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड टू कैश, तो इंटरिम डिविडेंड PNL में आएगा, किधर है PNL टू इंटरिम डिविडेंड 45,000, प्रेफरेंस डिविडेंड भी यहां पे लिखना है टू प्रेफरेंस डिविडेंड 36,000,
दोनों कंबाइन एंट्री भी करते थे तो चलेगा फेयर, राइट। ये दोनों था ना 45 एंड 36। पैसा बाहर जा रहा है, पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, राइट। तो इंटरिम डिविडेंड पेड 45,000 नेगेटिव, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड पेड कितना रुपीज है 36,000 ब्रैकेट ओवर, आई थिंक सो सारा एडजस्टमेंट हो गया है। नाउ क्लोज आउटसाइड लेजर, तो फिक्स एसेट्स में क्रेडिट साइड हैवी है, डेबिट शॉर्ट है, उसका मतलब हमने परचेज किया है, राइट। 7,30,000 माइनस 5,10,000, तो ये 2,20,000 आ रहा है, राइट। ये परचेज होगा टू कैश बैंक, राइट। तो फिक्स एसेट्स परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, टू लाख 20,000 ब्रैकेट हुआ। प्रिफरेंशियल्स देखो टैली हो रहा है, प्रिफरेंशियल्स का दोनों साइड इक्वल ही है, 2 लाख 2 लाख। यहां से एनपीबीटी आएगा बाय एनपीबीटी, और इसे लेके ऊपर जाके टैली करना है, और फिर कैश फ्लो मस्ट बी शुड बी टैली 351 माइनस 110 241,000, ठीक है। इसे लेके ऊपर चले जाओ एनपीबीटी में 241,000, और सारा ये अमाउंट ऐड कर दो, प्लस 5 प्लस 14 माइनस 3 प्लस 15 प्लस 70 और प्लस 5, +5 +14 -3 +15,000 +70 +5, 3,47,000 आ रहा है। ठीक है, 3,47,000 ना बच्चों, हाँ परफेक्ट, 3,47,000। इसे क्या बोलोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। देखो अच्छे से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, अभी इसमें ये प्लस माइनस कर दो तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, +75 +5 +110 -10, हमारा आ रहा है 3,47,000 वो हमारा नेगेटिव है ना, इंक्रीज डेटर्स नेगेटिव, और ये पॉजिटिव था तो 347 +75 +5 -110 +10,000 327। YLDA जरा ध्यान देना, इंक्रीज एसेट्स है तो इंक्रीज एसेट्स नेगेटिव था, डिक्रीज स्टॉक तो वो तुम्हारा पॉजिटिव है। अभी इसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अभी इसमें टैक्स पेड नहीं है तो डायगनली 3,27,000 फर्स्ट आंसर पॉजिटिव 327। श्योर, इसके बाद ये सेकेंड, तो -50 +3 +25 -220, तो नेगेटिव आ रहा है 242, नेगेटिव आ रहा है 242। फिर ये थर्ड, इसमें तो ज्यादा है,
प्लस 50 प्लस 1 लाख माइनस 14 माइनस 105 माइनस 45 माइनस 36 50,000 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है माइनस, सेकेंड भी माइनस 242 नेगेटिव, लास्ट वाला कॉस्ट वाला प्लस था 327, तो फाइनल आंसर 35,000 पॉजिटिव आ रहा है। प्यारा बच्चों 35 पॉजिटिव, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस 40, तो आपका आंसर 75 आना चाहिए। तो सम राइट है, नहीं तो रॉन्ग, जीरो मार्क्स। अभी ये थोड़ा अभी टैब में ऊपर नीचे करने में वो प्लस माइनस में थोड़ा ध्यान देना है आपको करते टाइम, अंडरस्टूड, बोर्ड पे इजी होता है, इधर टैब ऊपर नीचे में गड़बड़ हो रहा है, अंडरस्टूड, थोड़ा इजी डाइजेस्ट हुआ, राइट। अभी एक सम मैंने रखा है, एक बैलेंस शीट और पीएनएल वाला सम, देखो ये एक बैलेंस शीट और एक पीएनएल ऑलरेडी बना के दिया था, बहुत ओल्ड में सम आया था ये, बहुत ही इजी सम है ये, एनटीबीटी डायरेक्ट दे दिया, पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, आपको पोस्टिंग भी एंट्री अगर कर रहे हो तो फेयर है, तो डायरेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टूड, और खाली इसका पोस्टिंग कर देना है और टैली हो जाएगा, और ये 9 मार्क के लिए सम आया था। तो अभी ऐसा ही छोटा सा सम इनडायरेक्ट मेथड आ सकता है, ऐसा सम है। और एक सम है स्टेट, ये हमारे मैंने बुक में भी था, स्टेट ऑर्डर में सब आइटम का तुम्हें सिंगल सिंगल इफेक्ट करना है, इसमें एक ही आइटम है जिसका दो इफेक्ट होगा और इनडायरेक्ट मेथड है और टैली होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो ये दो सम अच्छे से रखे तो ये वर्कआउट कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट देना। यस बच्चों स्टार्ट करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 बाद में करते हैं, पहले वो बैलेंस शीट वाला सम वर्कआउट कर लेते हैं जिसमें खाली पीएनएल अकाउंट दिया है, बहुत ही इजी सा शॉर्ट सा सम है, इसमें पीएफडी भी है, उसके साथ आपको वर्कआउट करना है, बट एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, नॉर्मली सम है, राइट। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 वर्कआउट कर लेते हैं, चलो डिस्कस करता हूँ, ध्यान दो। A Limited gives the following commencement balance sheet relating to year 2006 and 7. Profit and loss appropriation account for the year 2007. Balance sheet given है. Discuss कर रहा हूँ. Share capital 5 lakhs से 6 lakhs हो रहा है. तो ये कहाँ पे आएगा? Financing activities positive. Reserves ये increase हो रहा है. तो इसे transfer to reserve बोलते हैं. तो आप देखो PNL में already posting हो चुका है. 30,000. बस वो एक effect हो गया. PNL, PNL का ओपनिंग क्लोजिंग 40 और 65, तो आप देखो इधर 40 और 65, अगर ये सब अमाउंट बराबर नहीं होता तो अपने ओन से आपको एंट्री करना पड़ेगा, अंडरस्टूड, ये तो बैलेंस शीट का पोस्टिंग है। डिबेंचर नाउ 3 लाख से 250 हो रहा है, कम हो रहा है, रिडीम, बट अभी इसमें हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपको ऑब्जेक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज परसेंटेज नॉट गिवन, तो इसे नो हिडन एडजस्टमेंट। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स ILDA में आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, नीचे अगर पेड है तो प्रोवाइड मिलेगा, प्रोवाइड है तो पेड, और कुछ नहीं है तो ओपनिंग पेड क्लोजिंग प्रोवाइड, इधर नीचे एडजस्टमेंट में देखो कुछ भी नहीं है, तो ओपनिंग पेड क्लोजिंग प्रोवाइड, तो अभी तुम्हें रफली पीएनएल बनाना होगा बिकॉज हमें एनपीबीटी चाहिए और एनपीबीटी आपको ढूंढना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट हाँ वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर ग्रॉस ब्लॉक, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट है तो इसका इफेक्ट करना है, ये पीएफडी है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका इफेक्ट करना है, नेट ब्लॉक आपको यूज नहीं है, ऐसा कट मत कर देना खाली समझने के लिए, वो यूज नहीं है, आप जब भी ओरिजिनल कॉस्ट का इफेक्ट करते हो, डेप्री का करते हो, तो ग्रॉस ब्लॉक का कुछ नहीं। स्टॉक ILDA, बुक डेब्ट्स डेटर्स ILDA, कैश इन हैंड टैली में यूज होगा। बिजनेस एक्सपेंडिचर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और प्रीलिम एक्सपेंस दोनों कम हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। नाउ ये ट्रांसफर टू रिजर्व, नॉर्मल जो रिजर्व इंक्रीज हो रहा है वो है। जर्नल एंट्री खाली इसकी ही होगी, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड टू कैश 80,000, दैट्स इट। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट शोविंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश, वो तो हम लोग जब भी फॉर्मेट बनाते हैं तो ऑब्वियस होगा ही होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट वाइज स्टार्ट करें, स्टेप वाइज, क्वेश्चन 5, इन द बुक्स ऑफ एंड ऑल, ठीक है, चलो प्रिपेयर फॉर्मेट। तो पहले फर्स्ट कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
अभी ये स्टार्ट ही किससे होगा, एनपीबीटी, फिर एडजस्टमेंट फॉर, एक दो आइटम है एडजस्टमेंट फॉर में, अब 7-8 लाइन जो अपना फिक्स था वो छोड़ देना है, फिर जो भी आएगा वो कवर अप हो जाता है, अंडरस्टूड। फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में प्लस ILDA और माइनस DLIA, ठीक है। फिर जो आएगा वो इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, ये अपना फर्स्ट आंसर आ जाएगा। फिर सेकेंड कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। फिर थर्ड कैश फ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नाउ नेट स्पेस छोड़ के इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अंडरस्टूड। सम यहाँ पे टैली होता है। अभी इसमें एडजस्टमेंट तो एक ही है, जर्नल एंट्री, इंटरिम डिविडेंड पेड, तो फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट पेड एडजस्टमेंट, तो इंटरिम डिविडेंड पेड की एंट्री इंटरिम डिविडेंड टू कैश बैंक, ये बेस्ट है। और खाली पीएनएल का लेजर ओपन होगा, क्योंकि हमें एनपीबीटी चाहिए, तो उसमें अगर आपने वो लिखा है उसमें टैक्स एडजस्ट कर दोगे ना तो डायरेक्ट हो जाता था, पीएनएल हो जाता, बट एक अकाउंट बनेगा पीएनएल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट बस, और कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर आप देखो तो इसका पोस्टिंग पीएनएल में जाएगा और ये एफए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अभी बच्चों ऐसा सम, ये बोर्ड में आया हुआ सम है ऐसा, तो ऐसा इजी वाला सम बहुत बढ़िया, आने दो, अच्छा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, ये तो आप, मैं बोलूँ आपको विद इन फॉर्मेट के साथ 15-20 मिनट में हो जाना चाहिए बच्चों, 15-15 मिनट्स। तो पहला स्टेप था फॉर्मेट हो गया, जर्नल एंट्री हो गया, लेजर हो गया, अभी बैलेंस शीट का पोस्टिंग करते जाओ, सब हो जाएगा इजीली। शेयर कैपिटल 5 लाख से कितना हो रहा है, 6 लाख, तो शेयर इंक्रीज हो रहा है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इक्विटी शेयर्स इश्यूड 1 लाख पॉजिटिव, फिर रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व, तो यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व, आपको पता है नॉर्मल पीएनआर अप्रोप्रिएशन में भी ये लिखा हुआ था 30,000। उसके बाद पीएनएल का ओपनिंग क्लोजिंग, पीएनएल लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट, उसका ओपनिंग क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है ओपनिंग 40,000 और टू बैलेंस सीडी 65,000। उसके बाद डिबेंचर 3 लाख से 250 कम हो रहा है, तो डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है रिडीम, डिबेंचर्स रिडीम, कितने से कम हो रहा है 3 लाख से 250, तो 50,000 ब्रैकेट, चलो हुआ डिबेंचर रिडीम। उसके बाद क्रेडिटर्स 170 से 160 हो रहा है कम, तो डिक्रीज ILDA में लिखो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो आपका डिक्रीज लायबिलिटी कितने से 10,000 से, डिक्रीज लायबिलिटी नेगेटिव है, 10,000 नेगेटिव आएगा, अंडरस्टूड। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स, नथिंग इज गिवन, ओपनिंग पेड क्लोजिंग प्रोवाइड, तो ओपनिंग पेड यहाँ पे 60,000 और क्लोजिंग प्रोवाइड, उसके लिए वो अकाउंट है, देखो ये इसमें डालना पड़ेगा हमें, टू प्रोविजन फॉर टैक्स,
to provision for tax 80,000. Understood? Right? चलो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का पोस्टिंग हो गया. अभी एसेट साइड पे ग्रॉस ब्लॉक 10 लाख से 11,20 को एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों. 10 लाख से 11,20 उसका मतलब ये क्या हो रहा है, परचेज 1,20,000 परचेज. आपने फिक्स एसेट्स खरीदा होगा और अंडरस्टूड, तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा फिक्स एसेट्स परचेज. आई थिंक सो इसमें और कुछ नहीं है, खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यही एक आइटम है फिक्स एसेट्स परचेज. ग्रॉस ब्लॉक का मतलब फिक्स एसेट्स होता है, राइट. ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000. अब नेक्स्ट देखो डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन है 4,60,000 माइनस 3,70,000, 90,000 का करंट ईयर डेप्रिसिएशन है. तो एडजस्टमेंट फॉर में डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स कितना रुपीज है, 90,000. नेक्स्ट नेट ब्लॉक का कुछ नहीं करना है. देखो डब्ल्यू डी बी है तो ओरिजिनल कॉस्ट का इफेक्ट दिया, पीएफडी का दिया, नेट ब्लॉक कुछ नहीं. नाउ इन्वेंटरी 370 माइनस 240, 240 से 370 इंक्रीज हो रहा है, तो बराबर से देखना आईएलडीए किधर है. इंक्रीज एसेट्स, इंक्रीज इन स्टॉक कितने से 130, ये भी नेगेटिव आएगा ब्रैकेट. फिर बुक डेब्ट्स मींस डेटर्स 250 से 230 कम हो रहा है पॉजिटिव, राइट. डिक्रीज इन बुक डेब्ट्स, पॉजिटिव. नाउ कैश टैली में यूज होता है, राइट. कैश टैली में कितना है, ओपनिंग कैश 80,000 और क्लोजिंग कितना है 60. कभी कभी ईयर भी पता है ना आगे पीछे होता है, वो ध्यान देना है आपको. द आंसर नेगेटिव 20 आएगा, नेगेटिव 20 प्लस 80 गिव्स यू 60,000, ठीक है. चलो फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कम हो रहा है, तो इसे बोलते हैं रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर्म में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ 2,500 एक्सपेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ ये भी राइट ऑफ हो रहा है 2,500 एक्सपेंस है पॉजिटिव, ठीक है. चलो इसके बाद अपना बैलेंस शीट पोस्टिंग हो गया. जर्नल एंट्री में एक ही एंट्री है, इंटरिम डिविडेंड टू कैश. तो यहाँ पे टू इंटरिम डिविडेंड 80,000 और टू कैश, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड कितना, इंटरिम डिविडेंड पेड 80,000 ब्रैकेट. अंडरस्टूड? ठीक है. चलो नेक्स्ट लेजर, तो लेजर में अभी कोई है ही नहीं, खाली ये है जो एनपीबीटी आएगा और इसे लेके ऊपर जाओ और टैली कर दो. कैश फ्लो मस्ट बी शुड बी टैली. चलो 30 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 65 255 माइनस 40 215,000 15,000 इसमें ये ऐड कर दो, प्लस 90 प्लस 5 310. चलो इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. उसमें माइनस 10 माइनस 130 प्लस 20 तो हमारा आता है 1,90,000. इसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन. क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन.
माइनस 60, तो डायगनली बाहर ले लो 130 पॉजिटिव, ये हुआ फर्स्ट। सेकेंड, इसमें तो इन्वेस्टिंग में एक ही है, नेगेटिव 120, इजी। देन यहाँ पे नेगेटिव 30,000, 1 लाख माइनस 50, माइनस 80, तो थर्ड नेगेटिव 30,000, तीनों का टोटल ले लो माइनस 30, माइनस 120, प्लस 1,30,000, तो इन शॉर्ट 20,000 नेगेटिव, तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है 20,000, और इसमें प्लस 80, तो बराबर 60,000 आ रहा है, मीन्स टैली है। अंडरस्टूड? इजी पीजी, ये क्लियर हुआ थोड़ा बच्चों? चलो ये हुआ, आगे बढ़े बच्चों, इजी। एक सम और एक बाकी है, फोर्थ आई थिंक सो, फर्स्ट सेकेंड जितने भी थे रिवाइज में करा दिए मैंने, सेकेंड थर्ड फोर्थ बाकी है, वो लिस्ट वाला जो हमारे बुक में ही सम है, ये सेम सम है हमारे बुक में जेकेसी में, बट ये थोड़ा अच्छा सम है जो बोर्ड में 9 मार्क्स के लिए आया था, थोड़ा फिगर आगे पीछे है, बाकी सेम ही टाइप्स में है, राइट। डिस्कस करेंगे और सब एक्टिविटीज में लिखते जाएंगे और टैली कर देंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन 4, हाँ इसमें बैलेंस शीट, और नॉर्मली इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आपका 2 साल का बैलेंस शीट होना चाहिए और एडजस्टमेंट, बट यहाँ पे पूरा लिस्ट दे दिया है, बस उसका पोस्टिंग कर दो। इसमें एक ही आइटम है जिसका 2 इफेक्ट होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, बाकी सबका सिंगल सिंगल इफेक्ट होता है, राइट। उसको डबल इफेक्ट वाइज पोस्टिंग करते जाओ, एक एक सिंगल सिंगल इफेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट शोइंग नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। अभी बच्चों ये दिया है नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट क्या है, आफ्टर टैक्स, ओनली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे देखो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, तो आपको इसमें ऐड करके एनपीबीटी ले लेना है, जहां से हमारा फॉर्मेट मेन चालू होता है, परफेक्ट। उसके बाद डिविडेंड पेड, ये पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, तो यहाँ पे देखो नीचे कहीं ना कहीं बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड प्रॉफिट या लॉस दिया होगा एसेट्स पे, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, इन्वेस्टमेंट है, हाँ देखो इधर लॉस दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो वो एडजस्ट करना है, कितना रुपीज है 40, तो आपको ये जो बुक वैल्यू है उसमें से 40 माइनस करके आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा 145, ठीक है। अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रैंड, तो ये एडजस्टमेंट फॉर, बट नेगेटिव आएगा क्योंकि कैपिटल ग्रैंड लाइबिलिटी है जो अमोर्टाइज मीन रिटर्न ऑफ कर रहे हो। कैरी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड दिया है, बट देखो किधर प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखो यहाँ पे ये प्रॉफिट 100, उसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा प्लस 100। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स, तो ये नेगेटिव। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, राइट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, फिक्स एसेट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। रिसिप्ट ऑफ कैपिटल ग्रांट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रोसेस ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। क्लोजिंग कैश बैंक टैली में यूज होगा। इनकम टैक्स पेड जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये एडजस्टमेंट फॉर। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट फॉर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट फॉर नेगेटिव, क्योंकि इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वो आइटम है जिसका 2 इफेक्ट होता है बच्चों, अंडरस्टूड। एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव और एक एडजस्टमेंट फॉर में नेगेटिव। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स आईए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर आईए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। प्रोसेस फ्रॉम कॉल्स इन अरियर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्रोसेस फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये टैली में यूज होगा, अंडरस्टूड। बस ये सारे पोस्टिंग करते जाओ, हो जाएगा। तो पहले अपना वही सेम स्टेप्स,
फॉर्मेट प्रिपेयर कर दो एंड ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अभी ये चालू ही होता है एनपीबीटी से, तो आप सब में देखो एनपी 80 दिया था 25 + 5, ये ऐड होके एनपीबीटी कितना आएगा हमारा 30,000, कितना हो जाएगा 30,000, फिर हमारा आएगा एडजस्टमेंट फॉर, फिर 7-8 लाइन छोड़ दो, फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में एक ही आइटम है इंक्रीज, तो प्लस ILDA और माइनस DLIA, इंक्रीज एसेट्स है नेगेटिव होगा, इसके बाद चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के बाद इनकम टैक्स पेड, राइट, तो ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट, इसमें भी लाइन छोड़ दो, 8 लाइन, थर्ड कैश फ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इसके बाद नेट स्पेस छोड़ के इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें ऐड होगा, तो हमारा क्लोजिंग आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अंडरस्टूड, जैसे हम लोग फॉर्मेट पहले बनाते थे वैसा, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आपको पोस्टिंग चालू कर देना है, NP80 में ऐड करके हो गया। उसके बाद डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड लाइन वाइज करते जाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा डिविडेंड पेड, मनी बाहर जा रहा है ब्रैकेट ऊपर रुपीज इन लैक्स लिखना है, 8535 ब्रैकेट, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, तो 185 में माइनस 40 करके 145 आएगा, राइट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स एसेट सोल्ड 145 पॉजिटिव, फिर अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट, तो ये यहाँ पे आएगा, राइट, कैपिटल ग्रांट अमोर्टाइज, सिक्स ब्रैकेट कैरी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, उसमें प्रॉफिट ऐड करके लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, राइट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऐड करके इस 27,865 ऐड हो जाएगा, फिर क्या दिया है इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, $10,000 एक्सपेंस है पॉजिटिव, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश बैंक, तो कैश अलग से टैली में यूज होगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ब्रैकेट 56,075, क्योंकि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मीन्स इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, तो नेगेटिव, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ WIP कितना है 34,740 ब्रैकेट, रिसिप्ट ऑफ कैपिटल ग्रांट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैपिटल ग्रांट रिसीव्ड $12 पॉजिटिव,
प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 20575 पॉजिटिव, क्लोजिंग कैश बैलेंस ना क्लोजिंग 6988. नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स वो हमने कर दिया, इनकम टैक्स पेड तो उसका देखो जगह है ऑलरेडी पेड, इनकम टैक्स पेड ब्रैकेट 4248, अंडरस्टूड, ऐसा सेम सम हमारे बुक में है. नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, राइट, तो ये इधर एडजस्टमेंट फॉर्म है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 40 पॉजिटिव, डेप्रिशिएशन तो डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 20,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ये इनकम है तो ब्रैकेट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा राइट, इनकम है 2506 ब्रैकेट, और रिसीव पैसा आ रहा है इंटरेस्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, वी हैव टू अज्यूम कि यही इनकम है और यही रिसीव्ड हो चुका है 2506 पॉजिटिव, इंटरेस्ट पेड तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट पेड 10,520 ब्रैकेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फिक्स एसेट्स परचेज सब लीज दिया है लिख दो हो जाएगा टैली 14,560 ब्रैकेट, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर तो इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर 3850 ब्रैकेट, प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन अरियस, प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन अरियस मीन्स कॉल सीनियर्स का पैसा आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सॉरी प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल सीन अरियर्स 2, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग 25980 ओपनिंग 5003, ठीक है चलो टैली करते हैं, सारा पोस्टिंग हो गया, टैली होना चाहिए 30,000 माइनस 6 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 20 माइनस 100 माइनस 2506 4,28, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसमें से माइनस 56,075 राइट, तो ये माइनस करके 1,353, ये क्या है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस 4,248, तो डायगनली बाहर फेंक दो 2,895, अंडरस्टूड, ये फर्स्ट एक्टिविटीज हुई, सेकेंड 145 प्लस 27,865 माइनस 34,740,
plus 2506 minus 14560 minus 3850. ये आ रहा है नेगेटिव 22634 ब्रैकेट पे थर्ड माइनस 8535 प्लस 12 प्लस 20575 माइनस 10520 प्लस 2 प्लस 25980 तो 27 पॉजिटिव 514 नेगेटिव माइनस 22634 और नेगेटिव 2895 तो 1985 पॉजिटिव 1985 इंक्रीज नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस 503 तो हमारा 6988 आ रहा है अंडरस्टूड ये टैली होना चाहिए तो सम राइट है क्लियर ठीक है थोड़ा समझा बच्चों कैश फ्लो थोड़ा हेवी चैप्टर है अच्छे से प्रैक्टिस करना राइट सारे सम्स प्रैक्टिस करने में ऐसा टाइम लगता है एक दिन पूरा बैठ के कैश फ्लो कर देना चाहिए अच्छे से राइट टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट बच्चों राइट टेक केयर बच्चों